हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम दो हमारे दो फिल्म के बारे में, इस फिल्म के क्या रिव्यूज़ रहे हैं लोगों के, उन सभी रिव्यूज़ को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यूज़ दिए हैं लोगों ने इस फिल्म के बारे में, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस फिल्म के रिगार्डिंग, इसकी IMDb रेटिंग्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या रेटिंग्स इसको मिली है, क्या क्या रिव्यूज़ इसको मिले हैं, कितनी टोटल रेटिंग्स इसको मिली हैं और कितनी रेटिंग्स में इसको 5 स्टार मिले हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इस मूवीज़ की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, यूज़र्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग और खुद के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी बातें डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज़ की, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग या जैसे ही जिन भी लोगों ने इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इस फिल्म को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसको मिली है बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पर और 3 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दिए हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3 स्टार दिए हैं 5 में से। अगर इसमें बात करें तो टोटल इसके ऊपर जो रेटिंग है इंटरनेट पर जो लिखी हुई है वो है 178 रेटिंग्स जो कि इसको मिली है अभी तक, और उसमें से लगभग सभी ने इसको 5 स्टार ही दिए हैं। 2 स्टार और 3 स्टार की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है जितनी की 1 स्टार की है। 1 स्टार 2 और 3 के मुकाबले ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो 1 स्टार जो है वो बहुत ही कम है 5 स्टार के मुकाबले। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसमें इस फिल्म को 5 स्टार ही दिए हैं। अगर बात करें लोगों के रिव्यूज की, क्या क्या लोगों ने लिखा है इस मूवी के बारे में, तो वो जरा पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, दिस मूवी इज रियली लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी मूवी, राइटिंग वॉज रियली फंटेस्टिक एंड performance by everyone was really superb and dialogues are amazing. इस यूजर ने कहा है कि ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है और ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के ऊपर बनी हुई कॉमेडी फिल्म है, हंसे वाली फिल्म है और इसकी जो राइटिंग है वो काफी मजेदार है या मतलब एकदम ऊंचे दर्जे की है और जो परफॉर्मेंस है हर एक एक्टर ने बहुत ही अच्छी दी है इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने जितने भी एक्टर्स हैं इसमें। साथ में कहा है कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग, स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट एट द एंड इट मेक्स यू इंटरेस्टेड, परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव एंड कृति सनन वाज रियली सुपर्ब। इन्होंने कहा है कि स्टोरी का जो प्लॉट है वो इतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन वो बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है राजकुमार राव और कृति सनन की एक्टिंग के बाद या उनकी एक्टिंग के द्वारा वो थोड़ा सा प्लॉट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह, स्क्रीन प्ले वॉज टू स्लो बट गुड डायरेक्शन। कहा गया है कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा धीमा चलता है, कहें तो अगर सादी भाषा में कहें तो ये जो फिल्म है वो आपको थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो थोड़ी तो फिल्म स्लो पड़ती है लेकिन उसके बाद ये काफी अपनी स्पीड पकड़ लेती है। ओवरऑल दिस मूवी इज वन टाइम वॉच विद फैमिली, रियली यू कैन वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली, रियली दे विल लव इट। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक बार ही देखी जा सकती है फिल्म क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब आप देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आने वाला है। और लिखा है कि
ये फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छा कंसेप्ट है। इन यूजर ने इसको रेटिंग दी है 3.5 स्टार की आउट ऑफ 5। ठीक है, अगर दूसरे यूजर की हम बात करें तो जिन्होंने 4 रेटिंग दी है उनका रिव्यू जरा पढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस फिल्म हैज सो लेस रेटिंग। इट डेफिनेटली इज अ गुड स्टोरी एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। इन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं है कि लोगों ने इसको कम रेटिंग्स क्यों दी है, इसको ज़्यादा रेटिंग्स मिलनी चाहिए थी क्योंकि इसकी अच्छी स्टोरी है, अच्छी एक्टिंग की है सभी ने। अ मूवी डजंट हैव टू बी लेजेंडरी दैट कैन बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा एक मूवी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब सदाबहार मूवी हो कि उसको बार बार देखा जाए। ऐसी मूवी हमेशा नहीं मिलती है और हर एक मूवी ऐसी नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ द मूवी इज टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन फॉर इट्स लेंथ एंड हमारे दो डज दैट। इन्होंने कहा है कि एक मूवी का मेन पर्पज ये होता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि वो जो यूजर्स हैं या जो भी उसको देखने वाले हैं, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करें उसकी पूरी लेंथ तक, जितनी लंबी वो मूवी है उस मूवी के दौरान जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एंटरटेन होते रहें, उनको मज़ा आए। और हम दो हमारे दो ने वो बखूबी निभाई है बात। और उनको ये भी लगता है कि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक हैं, येट गिव अमेजिंग फिल्म्स। और इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार रहेगा ऐसी और भी फिल्मों के का। ठीक है, अगले यूजर ने लिखा है द डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स इज ग्रेट। जब ज़्यादातर सभी लोगों ने ये लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस सभी अच्छा है। कुछ यूजर्स ये लिखते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। साथ में इस यूजर ने लिखा है दिस इज वन ऑफ द फिल्म दैट स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी ओवर द टॉप एक्टिंग। इन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है बिना ज़्यादा बड़ी एक्टिंग के बावजूद। मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी खासी एक्टिंग नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें बहुत कुछ बता जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। रत्ना पाठक शाह, परेश रावल एंड राजकुमार राव प्रूव दियर कैलिबर एज ब्रिलियंट एक्टर्स। इन्होंने कहा है कि जो रत्ना पाठक शाह है और परेश रावल है और साथ ही साथ राजकुमार राव, इन्होंने कृति सनन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। फिर इन्होंने लिखा है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और वो अच्छे एक्टर हैं। साथ में इन्होंने अलग लाइन में लिखा है कृति एंड अदर्स ऑल्सो डिड दियर बेस्ट, कि उन्होंने कोशिश की है कि वो अच्छा करें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है कृति ने और भी एक्टर्स ने, लेकिन इनको ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी है परेश रावल, रत्ना पाठक और राजकुमार राव की। दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, एंजॉयबल एंड फन टू वॉच। उन्होंने कहा है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें मजा आने वाला है। अगले यूजर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है फॉर अ ग्रेट एक्टर लाइक राजकुमार राव एंड परेश रावल टू फॉल टू दिस लेवल ऑफ द स्लैपस्टिक कॉमेडी इज सिंपली सुपीरियस। इन्होंने तो बहुत कुछ अलग लिखा है, इन्होंने कहा है इनका रिव्यू बिल्कुल ही अलग है, जो ऊपर हमने रिव्यूज पढ़े हैं उनसे अलग बिल्कुल इनका रिव्यू है। इन्होंने लिखा है कि एक एक्टर के लिए जैसे कि राजकुमार राव और परेश रावल है, इनका इस हद तक गिर जाना इस हद तक बेकार कॉमेडी के लिए गिर जाना वो बिल्कुल ही एकदम बेवकूफ़ी भरा है, या इतनी बेकार कॉमेडी इन्होंने की है, इनका कहना ये है। सॉरी वेस्ट ऑफ 2 आवर्स, आई होप दे रिकवर द मनी स्पेंड एट लीस्ट। इन्होंने कहा है कि पूरे 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद वे जो भी बजट इसमें लगा है उसको रिकवर तो एटलीस्ट कर ही ले। उनका कहना ये है कि जो भी इसमें बजट लगा है फिल्म में, भगवान करे कि वो रिकवर हो जाए। ग्रेट कंसिस्टेंट एक्टिंग बाय कृति सनन, इनको कृति सनन की जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी है। तो काफ़ी ही अलग डिफरेंट सा रिव्यू मिल गया हमें। इस रिव्यू में तो हमें ये जानने को मिला कि कृति सनन की एक्टिंग अच्छी है और बाकी सबकी बेकार है,
और कुछ रिव्यूज जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें कृति सनन की उनको एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी सभी की उनको एक्टिंग अच्छी लगी है। तो डिफरेंट है सब कुछ। एक और यूजर ने यहाँ पर लिखा है, यू विल गेट बोर्ड बाय 10 मिनट्स ऑफ वॉचिंग, नो प्रॉपर स्टोरी लाइन, द एक्टिंग ऑफ एवरी लेजेंड्स रियली एंड अप। एंड आगे इन्होंने लिखा है कि ओवरऑल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बट पुअर डिलीवरी, गॉड आई लव कृति एंड राजकुमार इवन परेश। तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आप 10 मिनट में ही बोर हो जाएंगे फिल्म को देखते हुए, कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है और जो एक्टिंग है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जितने भी लेजेंड्स हैं इन्होंने एक्टर्स को बेकार नहीं बताया, उनकी एक्टिंग को बेकार बताया है कि वो बेकार एक्टर नहीं है जो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा पुअर डिलीवरी रही है, बहुत ज़्यादा बेकार रही है ये फिल्म। और साथ में उन्होंने लिखा है कि कृति सनन और राजकुमार राव और परेश रावल को वो पसंद करते हैं। अगले एक यूजर ने लिखा है कि नाइस फिल्म विद नाइस वैल्यूज, एक्टिंग इज ऑल्सो गुड, एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अ मूवी विद देयर टीन किड्स, इट्स द मस्ट एंड नो एडल्ट कंटेंट, ऑसम। इनका ये कहना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, इसको आपको देखना चाहिए, तो उनका कहना यही है। अब बात करें अगर हम अपने रिव्यू की, तो जब हमने ये फिल्म देखी तो हमें काफ़ी अच्छी लगी है, ये फिल्म काफ़ी ही अच्छी है। आपको ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी धीमी पड़ गई है, आपको कहीं बोरियत होगी लेकिन हर जगह बोरियत नहीं होगी। इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आपको मतलब मज़ा दिला देंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन हैं। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसमें जो कॉमेडी ये डाल सकते थे, जितना अच्छा इसका कंसेप्ट था उतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले नहीं रहा है, स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई है, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा उभर कर नहीं आई है क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना अच्छा था, ये कंसेप्ट जो था फिल्म का वो ही इतना अच्छा था कि जो स्क्रीन प्ले की कमी थी वो कहीं ना कहीं ढकती हुई नज़र आई, या फिर वो कहीं ना कहीं छुपती हुई नज़र आई थी कंसेप्ट के पीछे। अगर बात करें इस फिल्म के एक्टिंग की, इस फिल्म में एक्टिंग की, तो सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, किसी की कम ज़्यादा एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि किसी ने बेकार एक्टिंग की है, क्योंकि बहुत से सीन ऐसे हैं आपके कि आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा उनको देखकर, लेकिन बहुत से सीन ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिंग कुछ अच्छी हो सकती थी लेकिन वहाँ पर कुछ कमी नज़र आई है। जैसे कि जब अगर आप वैसे फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ स्पॉइलर दिया है, बट वो स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर बात करें एक्टिंग जहाँ पर ख़राब नज़र आई है, वो था कि जब ये दोनों मतलब फंसते हैं ना, जब बातों में फंस जाते हैं, आपने जैसे ट्रेलर में भी देखा होगा, जब ये फंस जाते हैं किसी बात पर, किसी बात को लेकर, जब इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, जो परेश रावत है वो कुछ कह देते हैं और जो इनकी पत्नी बनी है वो कुछ कह देती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में जो इनको एक्टिंग करनी चाहिए थी शायद वो एक्टिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो बस एक वहीं पर कमी मुझे नज़र आई है, और बाकी सब जगह एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, कहीं पर भी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, एवरेज एक्टिंग रही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगा, और स्क्रीन प्ले बस वो थोड़ा सा अगर सुधर जाता तो शायद बहुत कुछ मज़ा आ जाता इस फिल्म में, बहुत लोगों को ये अच्छी लगती फिल्म। बट ओवरऑल अगर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, आप निराश नहीं होंगे इस फिल्म को देखकर। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू जो हमने आपको अभी तक बताया है, वीडियो में आगे भी काफ़ी कुछ है, ठीक है, पूरी वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी है, हमने मेहनत इसमें काफ़ी की है। इस फिल्म के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर आपको इतने से कुछ समझ आता है तो आप
आगे की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो इस मूवी में बस यही था जो भी मैंने आपको बताया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे दो फिल्म के बारे में। इस फिल्म के क्या रिव्यूज रहे हैं लोगों के, उन सभी रिव्यूज को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यूज दिए हैं लोगों ने इस फिल्म के बारे में, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस फिल्म के रिगार्डिंग इसकी IMDb रेटिंग्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या रेटिंग्स इसको मिली है, क्या क्या रिव्यूज़ इसको मिले हैं, कितनी टोटल रेटिंग्स इसको मिली हैं और कितनी रेटिंग्स में इसको 5 स्टार मिले हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इस मूवीज़ की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, यूज़र्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग और खुद के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी बातें डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज़ की, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग या जैसे जिन भी लोगों ने इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इस फिल्म को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसको मिली है बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पर और 3 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दी है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3 स्टार दिए हैं 5 में से। अगर इसमें बात करें तो टोटल इसके ऊपर जो रेटिंग है इंटरनेट पर जो लिखी हुई है वो है 178 रेटिंग्स जो कि इसको मिली हैं अभी तक, और उसमें से लगभग सभी ने इसको 5 स्टार ही दिए हैं। 2 स्टार और 3 स्टार की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है जितनी की 1 स्टार दी है। 1 स्टार 2 और 3 के मुकाबले ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो 1 स्टार जो है वो बहुत ही कम है 5 स्टार के मुकाबले। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसमें इस फिल्म को 5 स्टार ही दिए हैं। अगर बात करें लोगों के रिव्यूज की, क्या क्या लोगों ने लिखा है इस मूवी के बारे में, तो वो जरा पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, दिस मूवी इज रियली लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी मूवी, राइटिंग वॉज रियली फंटेस्टिक एंड performance by everyone was really superb and dialogues are amazing। इस यूजर ने कहा है कि ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है और ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के ऊपर बनी हुई कॉमेडी फिल्म है, हंसे वाली फिल्म है और इसकी जो राइटिंग है वो काफी मजेदार है या मतलब एकदम ऊंचे दर्जे की है और जो परफॉर्मेंस है हर एक एक्टर ने बहुत ही अच्छी दी है इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने जितने भी एक्टर्स हैं इसमें। साथ में कहा है कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग, स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट एट द एंड इट मेक्स यू इंटरेस्टेड, परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव एंड कृति सनन वाज रियली सुपर्ब। इन्होंने कहा है कि स्टोरी का जो प्लॉट है वो इतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन वो बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है राजकुमार राव और कृति सनन की एक्टिंग के बाद या उनकी एक्टिंग के द्वारा वो थोड़ा सा प्लॉट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह, स्क्रीन प्ले वॉज टू स्लो बट गुड डायरेक्शन। कहा गया है कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा धीमा चलता है, कहें तो अगर सादी भाषा में कहें तो ये जो फिल्म है वो आपको थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो थोड़ी तो फिल्म स्लो पड़ती है लेकिन उसके बाद ये काफी अपनी स्पीड पकड़ लेती है। ओवरऑल दिस मूवी इज वन टाइम वॉच विद फैमिली, रियली यू कैन वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली, रियली दे विल लव इट। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक बार ही देखी जा सकती है फिल्म, क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब आप देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आने वाला है। और लिखा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छा कंसेप्ट है। इन यूजर ने इसको रेटिंग दी है 3.5 स्टार की आउट ऑफ 5।
ठीक है, अगर दूसरे यूजर की हम बात करें तो जिन्होंने 4 रेटिंग दी है उनका रिव्यू जरा पढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस फिल्म हैज सो लेस रेटिंग, इट डेफिनेटली इज अ गुड स्टोरी एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। इन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं है कि लोगों ने इसको कम रेटिंग्स क्यों दी है, इसको ज़्यादा रेटिंग्स मिलनी चाहिए थी क्योंकि इसकी अच्छी स्टोरी है, अच्छी एक्टिंग की है सभी ने। अ मूवी डजंट हैव टू बी लेजेंडरी दैट कैन बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा एक मूवी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब सदाबहार मूवी हो कि उसको बार बार देखा जाए, ऐसी मूवी हमेशा नहीं मिलती है और हर एक मूवी ऐसी नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ द मूवी इज टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन फॉर इट्स लेंथ एंड हमारे दो डज दैट। इन्होंने कहा है कि एक मूवी का मेन पर्पज़ ये होता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि वो जो यूजर्स हैं या जो भी उसको देखने वाले हैं, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करें उसकी पूरी लेंथ तक, जितनी लंबी वो मूवी है उस मूवी के दौरान जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एंटरटेन होते रहें, उनको मज़ा आए। और हम दो हमारे दो ने वो बखूबी निभाई है बात। और उनको ये भी लगता है कि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक हैं, येट गिव अमेजिंग फिल्म्स। और इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार रहेगा ऐसी और भी फिल्मों के का। ठीक है, अगले यूजर ने लिखा है द डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स आर इज ग्रेट। जब ज़्यादातर सभी लोगों ने ये लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस सभी अच्छा है। कुछ यूजर्स ये लिखते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। साथ में इस यूजर ने लिखा है दिस इज वन ऑफ द फिल्म दैट स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी ओवर द टॉप एक्टिंग। इन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है बिना ज़्यादा बड़ी एक्टिंग के बावजूद। मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी खासी एक्टिंग नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें बहुत कुछ बता जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। रत्ना पाठक शाह, परेश रावल एंड राजकुमार राव प्रूव दियर कैलिबर एज ब्रिलियंट एक्टर्स। इन्होंने कहा है कि जो रत्ना पाठक शाह है और परेश रावल है और साथ ही साथ राजकुमार राव, इन्होंने कृति सनन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। फिर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और वो अच्छे एक्टर हैं। साथ में इन्होंने अलग लाइन में लिखा है कृति एंड अदर्स आल्सो डिड देयर बेस्ट, कि उन्होंने कोशिश की है कि वो अच्छा करें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है कृति ने और भी एक्ट्रेस ने, लेकिन इनको ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी है परेश रावल, रत्ना पाठक और राजकुमार राव की। दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, एंजॉयबल एंड फन टू वॉच। उन्होंने कहा है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें मजा आने वाला है। अगले यूजर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है फॉर अ ग्रेट एक्टर लाइक राजकुमार राव एंड परेश रावल टू फॉल टू दिस लेवल ऑफ द स्लैपस्टिक कॉमेडी इज सिंपली सुपीरियस। इन्होंने तो बहुत कुछ अलग लिखा है, इन्होंने कहा है इनका रिव्यू बिल्कुल ही अलग है, जो ऊपर हमने रिव्यूज पढ़े हैं उनसे अलग बिल्कुल इनका रिव्यू है। इन्होंने लिखा है कि एक एक्टर के लिए जैसे कि राजकुमार राव और परेश रावल है, इनका इस हद तक गिर जाना, इस हद तक बेकार कॉमेडी के लिए गिर जाना, वो बिल्कुल ही एकदम बेवकूफ़ी भरा है, या इतनी बेकार कॉमेडी इन्होंने की है, इनका कहना ये है। सॉरी वेस्ट ऑफ 2 hours, आई होप दे रिकवर द मनी स्पेंड एट लीस्ट। इन्होंने कहा है कि पूरे 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद वे जो भी बजट इसमें लगा है उसको रिकवर तो एटलीस्ट कर ही लें। उनका कहना ये है कि जो भी इसमें बजट लगा है फिल्म में, भगवान करे कि वो रिकवर हो जाए। ग्रेट कंसिस्टेंट एक्टिंग बाय कृति सनन, इनको कृति सनन की जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी है। तो काफ़ी ही अलग डिफरेंट सा रिव्यू मिल गया हमें। इस रिव्यू में तो हमें ये जानने को मिला कि कृति सनन की एक्टिंग अच्छी है और बाकी सबकी बेकार है, और कुछ रिव्यूज जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें कृति सनन की उनको एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी सभी की उनको एक्टिंग अच्छी लगी है, तो डिफरेंट है सब कुछ।
एक और यूजर ने यहाँ पर लिखा है, यू विल गेट बोर्ड बाय 10 मिनट्स ऑफ वॉचिंग, नो प्रॉपर स्टोरी लाइन, द एक्टिंग ऑफ एवरी लेजेंड्स रियली एंड अप। एंड आगे इन्होंने लिखा है कि ओवरऑल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बट पुअर डिलीवरी, गॉड आई लव कृति एंड राजकुमार इवन परेश। तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आप 10 मिनट में ही बोर हो जाएंगे फिल्म को देखते हुए, कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है और जो एक्टिंग है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जितने भी लेजेंड्स हैं, इन्होंने एक्टर्स को बेकार नहीं बताया, उनकी एक्टिंग को बेकार बताया है कि वो बेकार एक्टर नहीं है जो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा पुअर डिलीवरी रही है, बहुत ज़्यादा बेकार रही है ये फिल्म। और साथ में उन्होंने लिखा है कि कृति सेनन और राजकुमार राव और परेश रावल को वो पसंद करते हैं। अगले एक यूजर ने लिखा है कि नाइस फिल्म विद नाइस वैल्यूज, एक्टिंग इज ऑल्सो गुड, एनीवन हुज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अ मूवी विद योर टीन किड्स, इट्स द मस्ट एंड नो एडल्ट कंटेंट, ऑसम। इनका ये कहना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, इसको आपको देखना चाहिए, और उनका कहना यही है। अब बात करें अगर हम अपने रिव्यू की, तो जब हमने ये फिल्म देखी तो हमें काफ़ी अच्छी लगी है, ये फिल्म काफ़ी ही अच्छी है। आपको ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी धीमी पड़ गई है, आपको कहीं बोरियत होगी लेकिन हर जगह बोरियत नहीं होगी। इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आपको मतलब मज़ा दिला देंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन हैं। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसमें जो कॉमेडी ये डाल सकते थे, जितना अच्छा इसका कंसेप्ट था उतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले नहीं रहा है, स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई है, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा उभर कर नहीं आई है क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना अच्छा था, ये कंसेप्ट जो था फिल्म का वो ही इतना अच्छा था कि जो स्क्रीन प्ले की कमी थी वो कहीं ना कहीं ढकती हुई नज़र आई, या फिर वो कहीं ना कहीं छुपती हुई नज़र आई थी कंसेप्ट के पीछे। अगर बात करें इस फिल्म के एक्टिंग की, इस फिल्म में एक्टिंग की, तो सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, किसी की कम ज़्यादा एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि किसी ने बेकार एक्टिंग की है, क्योंकि बहुत से सीन ऐसे हैं आपके कि आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा उनको देखकर, लेकिन बहुत से सीन ऐसे हैं जहां पर एक्टिंग कुछ अच्छी हो सकती थी लेकिन वहां पर कुछ कमी नज़र आई है। जैसे कि जब अगर आप वैसे फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ स्पॉइलर दिया है, बट वो स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर बात करें एक्टिंग जहां पर ख़राब नज़र आई है, वो था कि जब ये दोनों मतलब फंसते हैं ना, जब बातों में फंस जाते हैं, आपने जैसे ट्रेलर में भी देखा होगा, जब ये फंस जाते हैं किसी बात पर, किसी बात को लेकर, जब इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, जो परेश रावल है वो कुछ कह देते हैं और जो इनकी पत्नी बनी है वो कुछ कह देती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती। उस सिचुएशन में जो इनको एक्टिंग करनी चाहिए थी, शायद वो एक्टिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो बस एक वहीं पर कमी मुझे नज़र आई है, और बाकी सब जगह एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, कहीं पर भी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, एवरेज एक्टिंग रही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगा, और स्क्रीन प्ले बस वो थोड़ा सा अगर सुधर जाता तो शायद बहुत कुछ मज़ा आ जाता इस फिल्म में, बहुत लोगों को ये अच्छी लगती फिल्म। बट ओवरऑल अगर आप को ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आपको मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, आप निराश नहीं होंगे इस फिल्म को देखकर। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू जो हमने आपको अभी तक बताया है? वीडियो में आगे भी काफ़ी कुछ है, ठीक है, पूरी वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी है, हमने मेहनत इसमें काफ़ी की है। इस फिल्म के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर आपको इतने से कुछ समझ आता है तो आप आगे की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो इस मूवी में बस यही था जो भी मैंने आपको बताया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे दो फिल्म के बारे में, इस फिल्म के क्या रिव्यूज रहे हैं लोगों के, उन सभी रिव्यूज को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यूज दिए हैं लोगों ने इस फिल्म के बारे में, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस फिल्म के रिगार्डिंग इसकी IMDb रेटिंग्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या रेटिंग्स इसको मिली है, क्या क्या रिव्यूज इसको मिले हैं, कितनी टोटल रेटिंग्स इसको मिली हैं और कितनी रेटिंग्स में इसको 5 स्टार मिले हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इस मूवीज की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, यूजर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग और खुद के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी बातें डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज की, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग या जैसे जिन भी लोगों ने इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इस फिल्म को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसको मिली है बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पर और 3 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3 स्टार दिए हैं 5 में से। अगर इसमें बात करें तो टोटल इसके ऊपर जो रेटिंग है इंटरनेट पर जो लिखी हुई है वो है 178 रेटिंग्स जो कि इसको मिली हैं अभी तक, और उसमें से लगभग सभी ने इसको 5 स्टार ही दिए हैं। 2 स्टार और 3 स्टार की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है जितनी की 1 स्टार की है। 1 स्टार 2 और 3 के मुकाबले ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो 1 स्टार जो है वो बहुत ही कम है 5 स्टार के मुकाबले। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसमें इस फिल्म को 5 स्टार ही दिए हैं। अगर बात करें लोगों के रिव्यूज की, क्या क्या लोगों ने लिखा है इस मूवी के बारे में, तो वो जरा पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, दिस मूवी इज रियली लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी मूवी, राइटिंग वॉज रियली फंटेस्टिक एंड performance by everyone was really superb and dialogues are amazing। इस यूजर ने कहा है कि ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है और ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के ऊपर बनी हुई कॉमेडी फिल्म है, हंसे वाली फिल्म है और इसकी जो राइटिंग है वो काफी मजेदार है या मतलब एकदम ऊंचे दर्जे की है और जो परफॉर्मेंस है हर एक एक्टर ने बहुत ही अच्छी दी है इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने जितने भी एक्टर्स हैं इसमें। साथ में कहा है कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग, स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट एट द एंड इट मेक्स यू इंटरेस्टेड, परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव एंड कृति सनन वाज रियली सुपर्ब। इन्होंने कहा है कि स्टोरी का जो प्लॉट है वो इतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन वो बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है राजकुमार राव और कृति सनन की एक्टिंग के बाद या उनकी एक्टिंग के द्वारा वो थोड़ा सा प्लॉट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह, स्क्रीन प्ले वाज टू स्लो बट गुड डायरेक्शन। कहा गया है कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा धीमा चलता है, कहें तो अगर सादी भाषा में कहें तो ये जो फिल्म है वो आपको थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो थोड़ी तो फिल्म स्लो पड़ती है लेकिन उसके बाद ये काफी अपनी स्पीड पकड़ लेती है। ओवरऑल दिस मूवी इज वन टाइम वॉच विद फैमिली, रियली यू कैन वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली, रियली दे विल लव इट। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक बार ही देखी जा सकती है फिल्म, क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब आप देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आने वाला है। और लिखा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छा कंसेप्ट है। इन यूजर ने इसको रेटिंग दी है 3.5 स्टार की आउट ऑफ 5। ठीक है, अगर दूसरे यूजर की हम बात करें तो जिन्होंने 4 रेटिंग दी है उनका रिव्यू जरा पढ़ते हैं। I don't know why this film has so less rating. It definitely
इज अ गुड स्टोरी एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। इन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं है कि लोगों ने इसको कम रेटिंग्स क्यों दी हैं, इसको ज़्यादा रेटिंग्स मिलनी चाहिए थी क्योंकि इसकी अच्छी स्टोरी है, अच्छी एक्टिंग की है सभी ने। अ मूवी डजंट हैव टू बी लेजेंडरी दैट कैन बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा एक मूवी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब सदाबहार मूवी हो कि उसको बार बार देखा जाए। ऐसी मूवी हमेशा नहीं मिलती है और हर एक मूवी ऐसी नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ द मूवी इज टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन फॉर इट्स लेंथ एंड हम दो हमारे दो डज दैट। इन्होंने कहा है कि एक मूवी का मेन पर्पज ये होता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि वो जो यूजर्स हैं या जो भी उसको देखने वाले हैं, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करें उसकी पूरी लेंथ तक, जितनी भी वो जितनी लंबी वो मूवी है उस मूवी के दौरान जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एंटरटेन होते रहें, उनको मज़ा आए। और हम दो हमारे दो ने वो बखूबी निभाई है बात। और उनको ये भी लगता है कि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक हैं, येट गिव अमेजिंग फिल्म्स। और इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार रहेगा ऐसी और भी फिल्मों के का। ठीक है, अगले यूजर ने लिखा है द डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स आर इज ग्रेट। जब ज़्यादातर सभी लोगों ने ये लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस सभी अच्छा है। कुछ यूजर्स ये लिखते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। साथ में इस यूजर ने लिखा है दिस इज वन ऑफ द फिल्म दैट स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी ओवर द टॉप एक्टिंग। इन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है बिना ज़्यादा बड़ी एक्टिंग के लिए एक्टिंग के बावजूद। मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी खासी एक्टिंग नहीं की गई है लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें बहुत कुछ बता जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। रत्ना पाठक शाह, परेश रावल एंड राजकुमार राव प्रूव दियर कैलिबर एज ब्रिलियंट एक्टर्स। इन्होंने कहा है कि जो रत्ना पाठक शाह है और परेश रावल है और साथ ही साथ राजकुमार राव, इन्होंने कृति सनन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। फिर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और वो अच्छे एक्टर हैं। साथ में इन्होंने अलग लाइन में लिखा है कृति एंड अदर्स ऑल्सो डिड दियर बेस्ट, कि उन्होंने कोशिश की है कि वो अच्छा करें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है कृति ने और भी एक्टर्स ने, लेकिन इनको ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी है परेश रावल, रत्ना पाठक और राजकुमार राव की। दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, एंजॉयबल एंड फन टू वॉच। उन्होंने कहा है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें मजा आने वाला है। अगले यूजर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है फॉर अ ग्रेट एक्टर लाइक राजकुमार राव एंड परेश रावल टू फॉल टू दिस लेवल ऑफ द स्लैप स्टिक कॉमेडी इज सिंपली सुपीरियस। इन्होंने तो बहुत कुछ अलग लिखा है, इन्होंने कहा है इनका रिव्यू बिल्कुल ही अलग है, जो ऊपर हमने रिव्यूज पढ़े हैं उनसे अलग बिल्कुल इनका रिव्यू है। इन्होंने लिखा है कि एक एक्टर के लिए जैसे कि राजकुमार राव और परेश रावल है, इनका इस हद तक गिर जाना इस हद तक बेकार कॉमेडी के लिए गिर जाना वो बिल्कुल ही एकदम बेवकूफ़ी भरा है, या इतनी बेकार कॉमेडी इन्होंने की है, इनका कहना ये है। सॉरी वेस्ट ऑफ 2 आवर्स, आई होप दे रिकवर द मनी स्पेंड एट लीस्ट। इन्होंने कहा है कि पूरे 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद वे जो भी बजट इसमें लगा है उसको रिकवर तो एटलीस्ट कर ही ले। उनका कहना ये है कि जो भी इसमें बजट लगा है फिल्म में भगवान करे कि वो रिकवर हो जाए। ग्रेट कंसिस्टेंट एक्टिंग बाय कृति सनन, इनको कृति सनन की जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी है। तो काफ़ी ही अलग डिफरेंट सा रिव्यू मिल गया हमें। इस रिव्यू में तो हमें ये जानने को मिला कि कृति सनन की एक्टिंग अच्छी है और बाकी सबकी बेकार है, और कुछ रिव्यूज जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें कृति सनन की उनको एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी सभी की उनको एक्टिंग अच्छी लगी है। तो डिफरेंट है सब कुछ। एक और यूजर ने यहाँ पर लिखा है यू विल गेट बोर्ड बाय 10 मिनट्स ऑफ वॉचिंग, नो प्रॉपर स्टोरी लाइन, द एक्टिंग ऑफ एवरी लेजेंड्स रियली एंड अप
एंड आगे इन्होंने लिखा है कि ओवरऑल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बट पुअर डिलीवरी, गॉड आई लव कृति एंड राजकुमार इवन परेश। तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आप 10 मिनट में ही बोर हो जाएंगे फिल्म को देखते हुए, कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है और जो एक्टिंग है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जितने भी लेजेंड्स हैं इन्होंने एक्टर्स को बेकार नहीं बताया, उनकी एक्टिंग को बेकार बताया है कि वो बेकार एक्टर नहीं है जो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा पुअर डिलीवरी रही है, बहुत ज़्यादा बेकार रही है ये फिल्म। और साथ में उन्होंने लिखा है कि कृति सनन और राजकुमार राव और परेश रावल को वो पसंद करते हैं। अगले एक यूजर ने लिखा है कि नाइस फिल्म विद नाइस वैल्यूज, एक्टिंग इज ऑल्सो गुड, एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अ मूवी विद देयर टीन किड्स, इट्स द मस्ट एंड नो एडल्ट कंटेंट, ऑसम। इनका ये कहना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, इसको आपको देखना चाहिए, तो उनका कहना यही है। अब बात करें अगर हम अपने रिव्यू की, तो जब हमने ये फिल्म देखी तो हमें काफ़ी अच्छी लगी है, ये फिल्म काफ़ी ही अच्छी है। आपको ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी धीमी पड़ गई है, आपको कहीं बोरियत होगी लेकिन हर जगह बोरियत नहीं होगी। इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आपको मतलब मज़ा दिला देंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन हैं। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसमें जो कॉमेडी ये डाल सकते थे, जितना अच्छा इसका कंसेप्ट था उतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले नहीं रहा है, स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई है, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा उभर कर नहीं आई है क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना अच्छा था, ये कंसेप्ट जो था फिल्म का वो ही इतना अच्छा था कि जो स्क्रीन प्ले की कमी थी वो कहीं ना कहीं ढकती हुई नज़र आई, या फिर वो कहीं ना कहीं छुपती हुई नज़र आई थी कंसेप्ट के पीछे। अगर बात करें इस फिल्म के एक्टिंग की, इस फिल्म में एक्टिंग की, तो सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, किसी की कम ज़्यादा एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि किसी ने बेकार एक्टिंग की है, क्योंकि बहुत से सीन ऐसे हैं आपके कि आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा उनको देखकर, लेकिन बहुत से सीन ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिंग कुछ अच्छी हो सकती थी लेकिन वहाँ पर कुछ कमी नज़र आई है। जैसे कि जब अगर आप वैसे फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ स्पॉइलर दिया है, बट वो स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर बात करें एक्टिंग जहाँ पर ख़राब नज़र आई है, वो था कि जब ये दोनों मतलब फंसते हैं ना, जब बातों में फंस जाते हैं, आपने जैसे ट्रेलर में भी देखा होगा, जब ये फंस जाते हैं किसी बात पर, किसी बात को लेकर, जब इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, जो परेश रावल है वो कुछ कह देते हैं और जो इनकी पत्नी बनी है वो कुछ कह देती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में जो इनको एक्टिंग करनी चाहिए थी, शायद वो एक्टिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो बस एक वहीं पर कमी मुझे नज़र आई है, और बाकी सब जगह एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, कहीं पर भी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, एवरेज एक्टिंग रही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगा, और स्क्रीन प्ले बस वो थोड़ा सा अगर सुधर जाता तो शायद बहुत कुछ मज़ा आ जाता इस फिल्म में, बहुत लोगों को ये अच्छी लगती फिल्म। बट ओवरऑल अगर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आपको मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, आप निराश नहीं होंगे इस फिल्म को देखकर। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू जो हमने आपको अभी तक बताया है? वीडियो में आगे भी काफ़ी कुछ है, ठीक है, पूरी वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी है, हमने मेहनत इसमें काफ़ी की है। इस फिल्म के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर आपको इतने से कुछ समझ आता है तो आप आगे की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो इस मूवी में बस यही था जो भी मैंने आपको बताया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर
एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे दो फिल्म के बारे में, इस फिल्म के क्या रिव्यूज रहे हैं लोगों के, उन सभी रिव्यूज को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यूज दिए हैं लोगों ने इस फिल्म के बारे में, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस फिल्म के रिगार्डिंग, इसकी IMDb रेटिंग्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या रेटिंग्स इसको मिली है, क्या क्या रिव्यूज इसको मिले हैं, कितनी टोटल रेटिंग्स इसको मिली हैं और कितनी रेटिंग्स में इसको 5 स्टार मिले हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इस मूवीज की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, यूजर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग और खुद के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी बातें डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज की, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग या जैसे जिन भी लोगों ने इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इस फिल्म को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसको मिली है बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पर और 3 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दिए, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3 स्टार दिए हैं 5 में से। अगर इसमें बात करें तो टोटल इसके ऊपर जो रेटिंग है इंटरनेट पर जो लिखी हुई है वो है 178 रेटिंग्स जो कि इसको मिली है अभी तक, और उसमें से लगभग सभी ने इसको 5 स्टार ही दिए हैं। 2 स्टार और 3 स्टार की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है जितनी की 1 स्टार की है। 1 स्टार 2 और 3 के मुकाबले ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो 1 स्टार जो है वो बहुत ही कम है 5 स्टार के मुकाबले, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसमें इस फिल्म को 5 स्टार ही दिए हैं। अगर बात करें लोगों के रिव्यूज की, क्या क्या लोगों ने लिखा है इस मूवी के बारे में, तो वो जरा पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, दिस मूवी इज रियली लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी मूवी, राइटिंग वॉज रियली फंटेस्टिक एंड परफॉर्मेंस बाय एवरीवन वाज रियली सुपर्ब एंड डायलॉग्स आर अमेजिंग। इस यूजर ने कहा है कि ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है और ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के ऊपर बनी हुई कॉमेडी फिल्म है, हास्य वाली फिल्म है और इसकी जो राइटिंग है वो काफी मजेदार है या मतलब एकदम ऊंचे दर्जे की है और जो परफॉर्मेंस है हर एक एक्टर ने वो बहुत ही अच्छी दी है इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने जितने भी एक्टर्स हैं इसमें। साथ में कहा है कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग, स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट एट द एंड इट मेक्स यू इंटरेस्टेड, परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव एंड कृति सनन वाज रियली सुपर्ब। इन्होंने कहा है कि स्टोरी का जो प्लॉट है वो इतना अच्छा खासा नहीं है लेकिन वो बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है राजकुमार राव और कृति सनन की एक्टिंग के बाद या उनकी एक्टिंग के द्वारा वो थोड़ा सा प्लॉट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह, स्क्रीन प्ले वाज टू स्लो बट गुड डायरेक्शन। कहा गया है कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा धीमा चलता है, कहें तो अगर सादी भाषा में कहें तो ये जो फिल्म है वो आपको थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो थोड़ी तो फिल्म स्लो पड़ती है लेकिन उसके बाद ये काफी अपनी स्पीड पकड़ लेती है। ओवरऑल दिस मूवी इज वन टाइम वॉच विद फैमिली, रियली यू कैन वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली, रियली दे विल लव इट। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक बार ही देखी जा सकती है फिल्म क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे लेकिन एक बार जब आप देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आने वाला है। और लिखा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छा कंसेप्ट है। इन यूजर ने इसको रेटिंग दी है 3.5 स्टार की आउट ऑफ 5, ठीक है। अगर दूसरे यूजर की हम बात करें तो जिन्होंने 4 रेटिंग दी है उनका रिव्यू जरा हम पढ़ते हैं। I don't know why this film has so less rating. It definitely is a good story and amazing performance by everyone. इन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं है कि लोगों ने इसको कम रेटिंग्स क्यों दी है, इसको ज़्यादा रेटिंग्स मिलनी चाहिए थी।
क्योंकि इसकी अच्छी स्टोरी है, अच्छी एक्टिंग की है सभी ने। अ मूवी डजंट हैव टू बी लेजेंडरी दैट कैन बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा एक मूवी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब सदाबहार मूवी हो कि उसको बार बार देखा जाए। ऐसी मूवी हमेशा नहीं मिलती है और हर एक मूवी ऐसी नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ द मूवी इज टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन फॉर इट्स लेंथ एंड हम दो हमारे दो डज दैट। इन्होंने कहा है कि एक मूवी का मेन पर्पज ये होता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि वो जो यूजर्स हैं या जो भी उसको देखने वाले हैं, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करें उसकी पूरी लेंथ तक, जितनी भी वो जितने लंबी वो मूवी है उस मूवी के दौरान जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एंटरटेन होते रहें, उनको मज़ा आए। और हम दो हमारे दो ने वो बखूबी निभाई है बात। और उनको ये भी लगता है कि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक हैं, येट गिव अमेजिंग फिल्म्स। और इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार रहेगा ऐसी और भी फिल्मों के का। ठीक है, अगले यूजर ने लिखा है द डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स आर इज ग्रेट। जब ज्यादातर सभी लोगों ने ये लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस अभी अच्छा है। कुछ यूजर्स ये लिखते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। साथ में इस यूजर ने लिखा है दिस इज वन ऑफ द फिल्म दैट स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी ओवर द टॉप एक्टिंग। इन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है बिना ज्यादा बड़ी एक्टिंग के लिए, एक्टिंग के बावजूद। मतलब इसमें ज्यादा अच्छी खासी एक्टिंग नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें बहुत कुछ बता जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। रत्ना पाठक शाह, परेश रावल एंड राजकुमार राव प्रूव दियर कैलिबर एज ब्रिलियंट एक्टर्स। इन्होंने कहा है कि जो रत्ना पाठक शाह है और परेश रावल है और साथ ही साथ राजकुमार राव, इन्होंने कृति सनन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। फिर इन्होंने लिखा है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और वो अच्छे एक्टर हैं। साथ में इन्होंने अलग लाइन में लिखा है कृति एंड अदर्स ऑल्सो डिड दियर बेस्ट, कि उन्होंने कोशिश की है कि वो अच्छा करें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है कृति ने और भी एक्ट्रेस ने, लेकिन इनको ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी है परेश रावल, रत्ना पाठक और राजकुमार राव की। दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, एंजॉयबल एंड फन टू वॉच। उन्होंने कहा है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें मजा आने वाला है। अगले यूजर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है For a great actor like Rajkumar Rao and Paresh Rawal to fall to this level of the slapstick comedy is simply stupendous. इन्होंने तो बहुत कुछ अलग लिखा है। इन्होंने कहा है इनका रिव्यू बिल्कुल ही अलग है, जो ऊपर हमने रिव्यूज पढ़े हैं उनसे अलग बिल्कुल इनका रिव्यू है। इन्होंने लिखा है कि एक एक्टर के लिए जैसे कि राजकुमार राव और परेश रावल है, इनका इस हद तक गिर जाना कॉमेडी, इस हद तक बेकार कॉमेडी के लिए गिर जाना, वो बिल्कुल ही एकदम बेवकूफ़ी भरा है या इतनी बेकार कॉमेडी इन्होंने की है, इनका कहना ये है। सॉरी वेस्ट ऑफ 2 hours, आई होप दे रिकवर द मनी स्पेंड एट लीस्ट। इन्होंने कहा है कि पूरे 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद वे जो भी बजट इसमें लगा है उसको रिकवर तो एटलीस्ट कर ही लें। उनका कहना ये है कि जो भी इसमें बजट लगा है फिल्म में, भगवान करे कि वो रिकवर हो जाए। ग्रेट कंसिस्टेंट एक्टिंग बाय कृति सनन, इनको कृति सनन की जो एक्टिंग है वो काफी अच्छी लगी है। तो काफी ही अलग डिफरेंट सा रिव्यू मिल गया हमें। इस रिव्यू में तो हमें ये जानने को मिला कि कृति सनन की एक्टिंग अच्छी है और बाकी सबकी बेकार है, और कुछ रिव्यूज जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें कृति सनन की उनको एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी सभी की उनको एक्टिंग अच्छी लगी है। तो डिफरेंट है सब कुछ। एक और यूजर ने यहाँ पर लिखा है यू विल गेट बोर्ड बाय 10 minutes ऑफ वॉचिंग, नो प्रॉपर स्टोरी लाइन, द एक्टिंग ऑफ एवरी लेजेंड्स रियली एंड अप। एंड आगे इन्होंने लिखा है कि ओवरऑल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बट पुअर डिलीवरी, गॉड आई लव कृति एंड राजकुमार इवन परेश। तो इन्होंने लिखा है कि
यहाँ पर आप 10 मिनट में ही बोर हो जाएंगे फिल्म को देखते हुए, कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है और जो एक्टिंग है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जितने भी लेजेंड्स हैं इन्होंने एक्टर्स को बेकार नहीं बताया, उनकी एक्टिंग को बेकार बताया है कि वो बेकार एक्टर नहीं है जो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा पुअर डिलीवरी रही है, बहुत ज़्यादा बेकार रही है ये फिल्म। और साथ में उन्होंने लिखा है कि कृति सनन और राजकुमार राव और परेश रावल को वो पसंद करते हैं। अगले एक यूजर ने लिखा है कि नाइस फिल्म विद नाइस वैल्यूज, एक्टिंग इज ऑल्सो गुड, एनीवन हुज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अ मूवी विद देयर टीन किड्स, इट्स द मस्ट एंड नो एडल्ट कंटेंट, ऑसम। इनका ये कहना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, इसको आपको देखना चाहिए, तो उनका कहना यही है। अब बात करें अगर हम अपने रिव्यू की, तो जब हमने ये फिल्म देखी तो हमें काफ़ी अच्छी लगी है, ये फिल्म काफ़ी ही अच्छी है। आपको ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी धीमी पड़ गई है, आपको कहीं बोरियत होगी लेकिन हर जगह बोरियत नहीं होगी। इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आपको मतलब मज़ा दिला देंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन हैं। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसमें जो कॉमेडी ये डाल सकते थे, जितना अच्छा इसका कंसेप्ट था उतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले नहीं रहा है, स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई है, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा उभर कर नहीं आई है क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना अच्छा था, ये कंसेप्ट जो था फिल्म का वो ही इतना अच्छा था कि जो स्क्रीन प्ले की कमी थी वो कहीं ना कहीं ढकती हुई नज़र आई, या फिर वो कहीं ना कहीं छुपती हुई नज़र आई थी कंसेप्ट के पीछे। अगर बात करें इस फिल्म के एक्टिंग की, इस फिल्म में एक्टिंग की, तो सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, किसी की कम ज़्यादा एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि किसी ने बेकार एक्टिंग की है, क्योंकि बहुत से सीन ऐसे हैं आपके कि आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा उनको देखकर, लेकिन बहुत से सीन ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिंग कुछ अच्छी हो सकती थी लेकिन वहाँ पर कुछ कमी नज़र आई है। जैसे कि जब अगर आप वैसे फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ स्पॉइलर दिया है, बट वो स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर बात करें एक्टिंग जहाँ पर ख़राब नज़र आई है, वो था कि जब ये दोनों मतलब फंसते हैं ना, जब बातों में फंस जाते हैं, आपने जैसे ट्रेलर में भी देखा होगा, जब ये फंस जाते हैं किसी बात पर, किसी बात को लेकर, जब इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, जो परेश रावल है वो कुछ कह देते हैं और जो इनकी पत्नी बनी है वो कुछ कह देती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में जो इनको एक्टिंग करनी चाहिए थी, शायद वो एक्टिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो बस एक वहीं पर कमी मुझे नज़र आई है, और बाकी सब जगह एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, कहीं पर भी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, एवरेज एक्टिंग रही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगा। और स्क्रीन प्ले बस वो थोड़ा सा अगर सुधर जाता तो शायद बहुत कुछ मज़ा आ जाता इस फिल्म में, बहुत लोगों को ये अच्छी लगती फिल्म। बट ओवरऑल अगर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आपको मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, आप निराश नहीं होंगे इस फिल्म को देखकर। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू जो हमने आपको अभी तक बताया है? वीडियो में आगे भी काफ़ी कुछ है, ठीक है, पूरी वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी है, हमने मेहनत इसमें काफ़ी की है। इस फिल्म के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर आपको इतने से कुछ समझ आता है तो आप आगे की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो इस मूवी में बस यही था जो भी मैंने आपको बताया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम दो हमारे दो
फिल्म के बारे में, इस फिल्म के क्या रिव्यूज़ रहे हैं लोगों के, उन सभी रिव्यूज़ को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यूज़ दिए हैं लोगों ने इस फिल्म के बारे में, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस फिल्म इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस फिल्म के रिगार्डिंग, इसकी IMDb रेटिंग्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या रेटिंग्स इसको मिली है, क्या क्या रिव्यूज़ इसको मिले हैं, कितनी टोटल रेटिंग्स इसको मिली हैं और कितनी रेटिंग्स में इसको 5 स्टार मिले हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इस मूवीज़ की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, यूज़र्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग और खुद के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी बातें डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज़ की, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग या जैसे ही जिन भी लोगों ने इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इस फिल्म को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसको मिली है बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पर, और 3 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दिए हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3 स्टार दिए हैं 5 में से। अगर इसमें बात करें तो टोटल इसके ऊपर जो रेटिंग है इंटरनेट पर जो लिखी हुई है वो है 178 रेटिंग्स जो कि इसको मिली है अभी तक, और उसमें से लगभग सभी ने इसको 5 स्टार ही दिए हैं। 2 स्टार और 3 स्टार की इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है जितनी कि 1 स्टार की है। तो 1 स्टार 2 और 3 के मुकाबले ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो 1 स्टार जो है वो बहुत ही कम है 5 स्टार के मुकाबले। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने इसमें इस फिल्म को 5 स्टार ही दिए हैं। अगर बात करें लोगों के रिव्यूज की, क्या क्या लोगों ने लिखा है इस मूवी के बारे में, तो वो जरा पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, दिस मूवी इज रियली लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी मूवी, राइटिंग वॉज रियली फंटेस्टिक एंड परफॉर्मेंस बाय एवरीवन वाज रियली सुपर्ब एंड डायलॉग्स आर अमेजिंग। इस यूजर ने कहा है कि ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है और ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के ऊपर बनी हुई कॉमेडी फिल्म है, हंसे वाली फिल्म है, और इसकी जो राइटिंग है वो काफ़ी मज़ेदार है या मतलब एकदम ऊंचे दर्जे की है, और जो परफॉर्मेंस है हर एक एक्टर ने बहुत ही अच्छी दी है इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने जितने भी एक्टर्स हैं इसमें। साथ में कहा है कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग, स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट एट द एंड इट मेक्स यू इंटरेस्टेड, परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव एंड कृति सनन वाज रियली सुपर्ब। इन्होंने कहा है कि स्टोरी का जो प्लॉट है वो इतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन वो बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है राजकुमार राव और कृति सनन की एक्टिंग के बाद, या उनकी एक्टिंग के द्वारा वो थोड़ा सा प्लॉट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह, स्क्रीन प्ले वाज टू स्लो बट गुड डायरेक्शन। कहा गया है कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा धीमा चलता है, कहें तो अगर सादी भाषा में कहें तो ये जो फिल्म है वो आपको थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो थोड़ी तो फिल्म स्लो पड़ती है लेकिन उसके बाद ये काफ़ी अपनी स्पीड पकड़ लेती है। ओवरऑल दिस मूवी इज़ वन टाइम वॉच विद फैमिली, रियली यू कैन वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली, रियली दे विल लव इट। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक बार ही देखी जा सकती है फिल्म, क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब आप देखेंगे तो आपको वाकई में मज़ा आने वाला है। और लिखा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छा कंसेप्ट है। इन यूज़र ने इसको रेटिंग दी है 3.5 स्टार की आउट ऑफ 5। ठीक है, अगर दूसरे यूज़र की हम बात करें तो जिन्होंने 4 रेटिंग दी है उनका रिव्यू जरा पढ़ते हैं। I don't know why this film has so less rating. It definitely is a good story and amazing performance by everyone. इन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं है कि लोगों ने इसको कम रेटिंग्स क्यों दी हैं। इसको ज़्यादा रेटिंग्स मिलनी चाहिए थी क्योंकि इसकी अच्छी स्टोरी है, अच्छी एक्टिंग की है सभी ने,
अ मूवी डजंट हैव टू बी लेजेंडरी दैट कैन बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा एक मूवी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब सदाबहार मूवी हो कि उसको बार बार देखा जाए। ऐसी मूवी हमेशा नहीं मिलती है और हर एक मूवी ऐसी नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ द मूवी इज टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन फॉर इट्स लेंथ एंड हम दो हमारे दो डज दैट। इन्होंने कहा है कि एक मूवी का मेन पर्पज ये होता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि वो जो यूजर्स हैं या जो भी उसको देखने वाले हैं, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करें उसकी पूरी लेंथ तक, जितनी भी वो जितनी लंबी वो मूवी है उस मूवी के दौरान जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एंटरटेन होते रहें, उनको मज़ा आए। और हम दो हमारे दो ने वो बखूबी निभाई है बात। और उनको ये भी लगता है कि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक हैं, येट गिव अमेजिंग फिल्म्स। और इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार रहेगा ऐसी और भी फिल्मों के का। ठीक है, अगले यूजर ने लिखा है द डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स आर इज ग्रेट। जब ज़्यादातर सभी लोगों ने ये लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस सभी अच्छा है। कुछ यूजर्स ये लिखते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। साथ में इस यूजर ने लिखा है दिस इज वन ऑफ द फिल्म दैट स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी ओवर द टॉप एक्टिंग। इन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है बिना ज़्यादा बड़ी एक्टिंग के लिए एक्टिंग के बावजूद। मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी खासी एक्टिंग नहीं की गई है लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें बहुत कुछ बता जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। रत्ना पाठक शाह, परेश रावल एंड राजकुमार राव प्रूव दियर कैलिबर एज ब्रिलियंट एक्टर्स। इन्होंने कहा है कि जो रत्ना पाठक शाह है और परेश रावल है और साथ ही साथ राजकुमार राव, इन्होंने कृति सनन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। फिर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और वो अच्छे एक्टर हैं। साथ में इन्होंने अलग लाइन में लिखा है कृति एंड अदर्स ऑल्सो डिड दियर बेस्ट, कि उन्होंने कोशिश की है कि वो अच्छा करें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है कृति ने और भी एक्ट्रेस ने, लेकिन इनको ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी है परेश रावल, रत्ना पाठक और राजकुमार राव की। दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, एंजॉयबल एंड फन टू वॉच। उन्होंने कहा है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें मजा आने वाला है। अगले यूजर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है For a great actor like Rajkumar Rao and Paresh Rawal to fall to this level of the slapstick comedy is simply stupendous. इन्होंने तो बहुत कुछ अलग लिखा है। इन्होंने कहा है इनका रिव्यू बिल्कुल ही अलग है, जो ऊपर हमने रिव्यूज पढ़े हैं उनसे अलग बिल्कुल इनका रिव्यू है। इन्होंने लिखा है कि एक एक्टर के लिए जैसे कि राजकुमार राव और परेश रावल है, इनका इस हद तक गिर जाना कॉमेडी, इस हद तक बेकार कॉमेडी के लिए गिर जाना, वो बिल्कुल ही एकदम बेवकूफ़ी भरा है या इतनी बेकार कॉमेडी इन्होंने की है, इनका कहना ये है। सॉरी वेस्ट ऑफ 2 hours, आई होप दे रिकवर द मनी स्पेंड एट लीस्ट। इन्होंने कहा है कि पूरे 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद वे जो भी बजट इसमें लगा है उसको रिकवर तो एटलीस्ट कर ही ले। उनका कहना ये है कि जो भी इसमें बजट लगा है फिल्म में, भगवान करे कि वो रिकवर हो जाए। ग्रेट कंसिस्टेंट एक्टिंग बाय कृति सनन, इनको कृति सनन की जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी है। तो काफ़ी ही अलग डिफरेंट सा रिव्यू मिल गया हमें। इस रिव्यू में तो हमें ये जानने को मिला कि कृति सनन की एक्टिंग अच्छी है और बाकी सबकी बेकार है, और कुछ रिव्यूज़ जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें कृति सनन की उनको एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी सभी की उनको एक्टिंग अच्छी लगी है। तो डिफरेंट है सब कुछ। एक और यूजर ने यहाँ पर लिखा है यू विल गेट बोर्ड बाय 10 minutes ऑफ वॉचिंग, नो प्रॉपर स्टोरी लाइन, द एक्टिंग ऑफ एवरी लेजेंड्स रियली एंड अप एंड आगे इन्होंने लिखा है कि ओवरऑल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बट पुअर डिलीवरी, गॉड आई लव कृति एंड राजकुमार इवन परेश। तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आप 10 मिनट में ही बोर हो जाएंगे फिल्म को देखते हुए, कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है,
और जो एक्टिंग है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जितने भी लेजेंड्स हैं इन्होंने एक्टर्स को बेकार नहीं बताया, उनकी एक्टिंग को बेकार बताया है कि वो बेकार एक्टर नहीं है जो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा पुअर डिलीवरी रही है, बहुत ज़्यादा बेकार रही है ये फिल्म। और साथ में उन्होंने लिखा है कि कृति सनन और राजकुमार राव और परेश रावल को वो पसंद करते हैं। अगले एक यूजर ने लिखा है कि नाइस फिल्म विद नाइस वैल्यूज, एक्टिंग इज ऑल्सो गुड, एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अ मूवी विद योर टीन किड्स, इट्स द मस्ट एंड नो एडल्ट कंटेंट, ऑसम। इनका ये कहना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, इसको आपको देखना चाहिए, तो उनका कहना ये है। अब बात करें अगर हम अपने रिव्यू की, तो जब हमने ये फिल्म देखी तो हमें काफ़ी अच्छी लगी है, ये फिल्म काफ़ी ही अच्छी है। आपको ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी धीमी पड़ रही है, आपको कहीं बोरियत होगी लेकिन हर जगह बोरियत नहीं होगी। इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आपको मतलब मज़ा दिला देंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन हैं। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसमें जो कॉमेडी ये डाल सकते थे, जितना अच्छा इसका कंसेप्ट था उतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले नहीं रहा है, स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई है, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा उभर कर नहीं आई है क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना अच्छा था, ये कंसेप्ट जो था फिल्म का वो ही इतना अच्छा था कि जो स्क्रीन प्ले की कमी थी वो कहीं ना कहीं ढकती हुई नज़र आई, या फिर वो कहीं ना कहीं छुपती हुई नज़र आई थी कंसेप्ट के पीछे। अगर बात करें इस फिल्म के एक्टिंग की, इस फिल्म में एक्टिंग की, तो सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, किसी की कम ज़्यादा एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि किसी ने बेकार एक्टिंग की है, क्योंकि बहुत से सीन ऐसे हैं आपके कि आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा उनको देखकर, लेकिन बहुत से सीन ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिंग कुछ अच्छी हो सकती थी लेकिन वहाँ पर कुछ कमी नज़र आई है। जैसे कि जब अगर आप वैसे फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ स्पॉइलर दिया है, बट वो स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर बात करें एक्टिंग जहाँ पर ख़राब नज़र आई है, वो था कि जब ये दोनों मतलब फंसते हैं ना, जब बातों में फंस जाते हैं, आपने जैसे ट्रेलर में भी देखा होगा, जब ये फंस जाते हैं किसी बात पर, किसी बात को लेकर, जब इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, जो परेश रावल है वो कुछ कह देते हैं और जो इनकी पत्नी बनी है वो कुछ कह देती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, उस सिचुएशन में जो इनको एक्टिंग करनी चाहिए थी शायद वो एक्टिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो बस एक वहीं पर कमी मुझे नज़र आई है। और बाकी सब जगह एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, कहीं पर भी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, एवरेज एक्टिंग रही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगा। और स्क्रीन प्ले बस वो थोड़ा सा अगर सुधर जाता तो शायद बहुत कुछ मज़ा आ जाता इस फिल्म में, बहुत लोगों को ये अच्छी लगती फिल्म। बट ओवरऑल अगर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आपको मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, आप निराश नहीं होंगे इस फिल्म को देखकर। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू जो हमने आपको अभी तक बताया है, वीडियो में आगे भी काफ़ी कुछ है, ठीक है, पूरी वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी है, हमने मेहनत इसमें काफ़ी की है। इस फिल्म के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर आपको इतने से कुछ समझ आता है तो आप आगे की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो इस मूवी में बस यही था जो भी मैंने आपको बताया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ।
इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम दो हमारे दो फिल्म के बारे में, इस फिल्म के क्या रिव्यूज रहे हैं लोगों के, उन सभी रिव्यूज को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यूज दिए हैं लोगों ने इस फिल्म के बारे में, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस फिल्म के रिगार्डिंग इसकी IMDb रेटिंग्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या रेटिंग्स इसको मिली है, क्या क्या रिव्यूज इसको मिले हैं, कितनी टोटल रेटिंग्स इसको मिली हैं और कितनी रेटिंग्स में इसको 5 स्टार मिले हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इस मूवीज की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, यूजर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग और खुद के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी बातें डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज की, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग या जैसे ही जिन भी लोगों ने इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस फिल्म को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसको मिली है बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पर और 3 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दिए हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3 स्टार दिए हैं 5 में से। अगर इसमें बात करें तो टोटल इसके ऊपर जो रेटिंग है इंटरनेट पर जो लिखी हुई है वो है 178 रेटिंग्स जो कि इसको मिली है अभी तक, और उसमें से लगभग सभी ने इसको 5 स्टार ही दिए हैं। 2 स्टार और 3 स्टार की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है जितनी की 1 स्टार की है। तो 1 स्टार 2 और 3 के मुकाबले ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो 1 स्टार जो है वो बहुत ही कम है 5 स्टार के मुकाबले। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसमें इस फिल्म को 5 स्टार ही दिए हैं। अगर बात करें लोगों के रिव्यूज की, क्या क्या लोगों ने लिखा है इस मूवी के बारे में, तो वो जरा पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, दिस मूवी इज रियली लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी मूवी, राइटिंग वॉज रियली फंटेस्टिक एंड परफॉर्मेंस बाय एवरी वन वॉज रियली सुपर्ब एंड डायलॉग्स आर अमेजिंग। इस यूजर ने कहा है कि ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है और ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के ऊपर बनी हुई कॉमेडी फिल्म है, हंसे वाली फिल्म है और इसकी जो राइटिंग है वो काफी मजेदार है या मतलब एकदम ऊंचे दर्जे की है और जो परफॉर्मेंस है हर एक एक्टर ने बहुत ही अच्छी दी है इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने जितने भी एक्टर्स हैं इसमें। साथ में कहा है कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग, स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट एट द एंड इट मेक्स यू इंटरेस्टेड, परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव एंड कृति सनन वाज रियली सुपर्ब। इन्होंने कहा है कि स्टोरी का जो प्लॉट है वो इतना अच्छा खासा नहीं है लेकिन वो बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है राजकुमार राव और कृति सनन की एक्टिंग के बाद या उनकी एक्टिंग के द्वारा वो थोड़ा सा प्लॉट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह, स्क्रीन प्ले वाज टू स्लो बट गुड डायरेक्शन। कहा गया है कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा धीमा चलता है, कहें तो अगर सादी भाषा में कहें तो ये जो फिल्म है वो आपको थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो थोड़ी तो फिल्म स्लो पड़ती है लेकिन उसके बाद ये काफी अपनी स्पीड पकड़ लेती है। ओवरऑल दिस मूवी इज वन टाइम वॉच विद फैमिली, रियली यू कैन वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली, रियली दे विल लव इट। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक बार ही देखी जा सकती है फिल्म क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे लेकिन एक बार जब आपको देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आने वाला है। और लिखा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छा कंसेप्ट है। इन यूजर ने इसको रेटिंग दी है 3.5 स्टार की आउट ऑफ 5। ठीक है, अगर दूसरे यूजर की हम बात करें तो जिन्होंने 4 रेटिंग दी है उनका रिव्यू जरा पढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस फिल्म हैज सो लेस रेटिंग, It definitely is a good story and amazing performance by everyone. इन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं है कि लोगों ने इसको कम रेटिंग्स क्यों दी हैं। इसको ज़्यादा रेटिंग्स मिलनी चाहिए थी क्योंकि
इसकी अच्छी स्टोरी है, अच्छी एक्टिंग की है सभी ने। अ मूवी डजंट हैव टू बी लेजेंडरी दैट कैन बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा एक मूवी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब सदाबहार मूवी हो कि उसको बार बार देखा जाए। ऐसी मूवी हमेशा नहीं मिलती है और हर एक मूवी ऐसी नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ द मूवी इज टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन फॉर इट्स लेंथ एंड हम दो हमारे दो डज दैट। इन्होंने कहा है कि एक मूवी का मेन पर्पज ये होता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि वो जो यूजर्स हैं या जो भी उसको देखने वाले हैं, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करें उसकी पूरी लेंथ तक, जितनी भी वो जितनी लंबी वो मूवी है उस मूवी के दौरान जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एंटरटेन होते रहें, उनको मज़ा आए और हम दो हमारे दो ने वो बखूबी निभाई है बात। और उनको ये भी लगता है कि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक हैं, येट गिव अमेजिंग फिल्म्स। और इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार रहेगा ऐसी और भी फिल्मों के का। ठीक है, अगले यूजर ने लिखा है द डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स आर इज ग्रेट। जब ज़्यादातर सभी लोगों ने ये लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस सभी अच्छा है। कुछ यूजर्स ये लिखते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। साथ में इस यूजर ने लिखा है दिस इज वन ऑफ द फिल्म दैट स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी ओवर द टॉप एक्टिंग। इन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है बिना ज़्यादा बड़ी एक्टिंग के बावजूद। मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी खासी एक्टिंग नहीं की गई है लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें बहुत कुछ बता जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। रत्ना पाठक शाह, परेश रावल एंड राजकुमार राव प्रूव दियर कैलिबर एज ब्रिलियंट एक्टर्स। इन्होंने कहा है कि जो रत्ना पाठक शाह है और परेश रावल है और साथ ही साथ राजकुमार राव, इन्होंने कृति सनन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया। फिर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और वो अच्छे एक्टर हैं। साथ में इन्होंने अलग लाइन में लिखा है कृति एंड अदर्स आल्सो डिड देयर बेस्ट, कि उन्होंने कोशिश की है कि वो अच्छा करें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है कृति ने और भी एक्टर्स ने, लेकिन इनको ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी है परेश रावल, रत्ना पाठक और राजकुमार राव की। दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, एंजॉयबल एंड फन टू वॉच। उन्होंने कहा है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें मजा आने वाला है। अगले यूजर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है फॉर अ ग्रेट एक्टर लाइक राजकुमार राव एंड परेश रावल टू फॉल टू दिस लेवल ऑफ द स्लैपस्टिक कॉमेडी इज सिंपली स्टूपिडियस। इन्होंने तो बहुत कुछ अलग लिखा है, इन्होंने कहा है इनका रिव्यू बिल्कुल ही अलग है, जो ऊपर हमने रिव्यूज पढ़े हैं उनसे अलग बिल्कुल इनका रिव्यू है। इन्होंने लिखा है कि एक एक्टर के लिए जैसे कि राजकुमार राव और परेश रावल है, इनका इस हद तक गिर जाना कॉमेडी, इस हद तक बेकार कॉमेडी के लिए गिर जाना वो बिल्कुल ही एकदम बेवकूफ़ी भरा है, या इतनी बेकार कॉमेडी इन्होंने की है, इनका कहना ये है सॉरी वेस्ट ऑफ 2 आवर्स, आई होप दे रिकवर द मनी स्पेंड एट लीस्ट। इन्होंने कहा है कि पूरे 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद वे जो भी बजट इसमें लगा है उसको रिकवर तो एटलीस्ट कर ही ले। उनका कहना ये है कि जो भी इसमें बजट लगा है फिल्म में, भगवान करे कि वो रिकवर हो जाए। ग्रेट कंसिस्टेंट एक्टिंग बाय कृति सनन, इनको कृति सनन की जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी है। तो काफ़ी ही अलग डिफरेंट सा रिव्यू मिल गया हमें। इस रिव्यू में तो हमें ये जानने को मिला कि कृति सनन की एक्टिंग अच्छी है और बाकी सब बेकार है, और कुछ रिव्यूज जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें कृति सनन की उनको एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी सभी की उनको एक्टिंग अच्छी लगी है। तो डिफरेंट है सब कुछ। एक और यूजर ने यहाँ पर लिखा है यू विल गेट बोर्ड बाय 10 मिनट्स ऑफ वॉचिंग, नो प्रॉपर स्टोरी लाइन, द एक्टिंग ऑफ एवरी लेजेंड्स रियली एंड अप। एंड आगे इन्होंने लिखा है कि ओवरऑल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बट पुअर डिलीवरी, गॉड आई लव कृति एंड राजकुमार इवन परेश। तो इन्होंने लिखा है कि
यहाँ पर आप 10 मिनट में ही बोर हो जाएंगे फिल्म को देखते हुए, कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है और जो एक्टिंग है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जितने भी लेजेंड्स हैं इन्होंने एक्टर्स को बेकार नहीं बताया, उनकी एक्टिंग को बेकार बताया है कि वो बेकार एक्टर नहीं है जो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा पुअर डिलीवरी रही है, बहुत ज़्यादा बेकार रही है ये फिल्म। और साथ में उन्होंने लिखा है कि कृति सनन और राजकुमार राव और परेश रावल को वो पसंद करते हैं। अगले एक यूजर ने लिखा है कि नाइस फिल्म विद नाइस वैल्यूज, एक्टिंग इज ऑल्सो गुड, एनीवन हुज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अ मूवी विद देयर टीन किड्स, इट्स द मस्ट एंड नो एडल्ट कंटेंट, ऑसम। इनका ये कहना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, इसको आपको देखना चाहिए, उनका कहना यही है। अब बात करें अगर हम अपने रिव्यू की, तो जब हमने ये फिल्म देखी तो हमें काफ़ी अच्छी लगी है, ये फिल्म काफ़ी ही अच्छी है। आपको ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी धीमी पड़ गई है, आपको कहीं बोरियत होगी लेकिन हर जगह बोरियत नहीं होगी। इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आपको मतलब मज़ा दिला देंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन हैं। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसमें जो कॉमेडी ये डाल सकते थे, जितना अच्छा इसका कंसेप्ट था उतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले नहीं रहा है, स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई है, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा उभर कर नहीं आई है क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना अच्छा था, ये कंसेप्ट जो था फिल्म का वो ही इतना अच्छा था कि जो स्क्रीन प्ले की कमी थी वो कहीं ना कहीं ढकती हुई नज़र आई, या फिर वो कहीं ना कहीं छुपती हुई नज़र आई थी कंसेप्ट के पीछे। अगर बात करें इस फिल्म के एक्टिंग की, इस फिल्म में एक्टिंग की, तो सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, किसी की कम ज़्यादा एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि किसी ने बेकार एक्टिंग की है, क्योंकि बहुत से सीन ऐसे हैं आपके कि आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा उनको देखकर, लेकिन बहुत से सीन ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिंग कुछ अच्छी हो सकती थी लेकिन वहाँ पर कुछ कमी नज़र आई है। जैसे कि जब अगर आप वैसे फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ स्पॉइलर दिया है, बट वो स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर बात करें एक्टिंग जहाँ पर ख़राब नज़र आई है, वो था कि जब ये दोनों मतलब फंसते हैं ना, जब बातों में फंस जाते हैं, आपने जैसे ट्रेलर में भी देखा होगा, जब ये फंस जाते हैं किसी बात पर, किसी बात को लेकर, जब इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, जो परेश रावल है वो कुछ कह देते हैं और जो इनकी पत्नी बनी है वो कुछ कह देती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती, उस सिचुएशन में जो इनको एक्टिंग करनी चाहिए थी शायद वो एक्टिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो बस एक वहीं पर कमी मुझे नज़र आई है, और बाकी सब जगह एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, कहीं पर भी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, एवरेज एक्टिंग रही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगा, और स्क्रीन प्ले बस वो थोड़ा सा अगर सुधर जाता तो शायद बहुत कुछ मज़ा आ जाता इस फिल्म में, बहुत लोगों को ये अच्छी लगती थी। बट ओवरऑल अगर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आपको मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, आप निराश नहीं होंगे इस फिल्म को देखकर। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू जो हमने आपको अभी तक बताया है, वीडियो में आगे भी काफ़ी कुछ है, ठीक है, पूरी वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी है, हमने मेहनत इसमें काफ़ी की है। इस फिल्म के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर आपको इतने से कुछ समझ आता है तो आप आगे की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो इस मूवी में बस यही था जो भी मैंने आपको बताया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे दो
फिल्म के बारे में, इस फिल्म के क्या रिव्यूज रहे हैं लोगों के, उन सभी रिव्यूज को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यूज दिए हैं लोगों ने इस फिल्म के बारे में, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म के रिगार्डिंग, इसकी IMDb रेटिंग्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या रेटिंग्स इसको मिली है, क्या क्या रिव्यूज़ इसको मिले हैं, कितनी टोटल रेटिंग्स इसको मिली हैं और कितनी रेटिंग्स में इसको 5 स्टार मिले हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इस मूवीज़ की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, यूजर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग और खुद के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी बातें डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज़ की, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग या जैसे ही जिन भी लोगों ने इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इस फिल्म को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसको मिली है बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पर, और 3 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दिए हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3 स्टार दिए हैं 5 में से। अगर इसमें बात करें तो टोटल इसके ऊपर जो रेटिंग है इंटरनेट पर जो लिखी हुई है वो है 178 रेटिंग्स जो कि इसको मिली है अभी तक, और उसमें से लगभग सभी ने इसको 5 स्टार ही दिए हैं। 2 स्टार और 3 स्टार की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है जितनी की 1 स्टार की है। 1 स्टार 2 और 3 के मुकाबले ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो 1 स्टार जो है वो बहुत ही कम है 5 स्टार के मुकाबले। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसमें इस फिल्म को 5 स्टार ही दिए हैं। अगर बात करें लोगों के रिव्यूज की, क्या क्या लोगों ने लिखा है इस मूवी के बारे में, तो वो जरा पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, दिस मूवी इज रियली लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी मूवी, राइटिंग वॉज रियली फंटेस्टिक एंड performance by everyone was really superb and dialogues are amazing। इस यूजर ने कहा है कि ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है और ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के ऊपर बनी हुई कॉमेडी फिल्म है, हंसे वाली फिल्म है, और इसकी जो राइटिंग है वो काफी मजेदार है या मतलब एकदम ऊंचे दर्जे की है, और जो परफॉर्मेंस है हर एक एक्टर ने बहुत ही अच्छी दी है इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने जितने भी एक्टर्स हैं इसमें। साथ में कहा है कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग, स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट एट द एंड इट मेक्स यू इंटरेस्टेड, परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव एंड कृति सनन वाज रियली सुपर्ब। इन्होंने कहा है कि स्टोरी का जो प्लॉट है वो इतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन वो बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है राजकुमार राव और कृति सनन की एक्टिंग के बाद, या उनकी एक्टिंग के द्वारा वो थोड़ा सा प्लॉट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह, स्क्रीन प्ले वॉज टू स्लो बट गुड डायरेक्शन। कहा गया है कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा धीमा चलता है, कहें तो अगर सादी भाषा में कहें तो ये जो फिल्म है वो आपको थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो थोड़ी तो फिल्म स्लो पड़ती है लेकिन उसके बाद ये काफी अपनी स्पीड पकड़ लेती है। ओवरऑल दिस मूवी इज वन टाइम वॉच विद फैमिली, रियली यू कैन वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली, रियली दे विल लव इट। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक बार ही देखी जा सकती है फिल्म, क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब आप देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आने वाला है। और लिखा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छा कंसेप्ट है। इन यूजर ने इसको रेटिंग दी है 3.5 स्टार की आउट ऑफ 5। ठीक है, अगर दूसरे यूजर की हम बात करें तो जिन्होंने 4 रेटिंग दी है उनका रिव्यू जरा पढ़ते हैं। I don't know why this film has so less rating. It definitely is a good story and amazing performance by everyone. इन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं है कि लोगों ने इसको कम ratings क्यों दी हैं। इसको ज़्यादा ratings मिलनी चाहिए थी क्योंकि इसकी अच्छी story है, अच्छी acting की है सभी ने,
अ मूवी डजंट हैव टू बी लेजेंडरी दैट कैन बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स. ऐसा एक मूवी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब सदाबहार मूवी हो कि उसको बार बार देखा जाए. ऐसी मूवी हमेशा नहीं मिलती है और हर एक मूवी ऐसी नहीं होती है. द मेन पर्पज ऑफ द मूवी इज टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन फॉर इट्स लेंथ एंड हम दो हमारे दो डज दैट. इन्होंने कहा है कि एक मूवी का मेन पर्पज़ ये होता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि वो जो यूज़र्स हैं या जो भी उसको देखने वाले हैं, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करें उसकी पूरी लेंथ तक, जितनी भी वो जितने लंबी वो मूवी है उस मूवी के दौरान जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एंटरटेन होते रहें, उनको मज़ा आए और हम दो हमारे दो ने वो बखूबी निभाई है बात. और उनको ये भी लगता है कि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक हैं, येट गिव अमेजिंग फिल्म्स. और इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार रहेगा ऐसी और भी फिल्मों के का. ठीक है, अगले यूजर ने लिखा है द डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स आर इज ग्रेट. जब ज़्यादातर सभी लोगों ने ये लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस सभी अच्छा है. कुछ यूजर्स ये लिखते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है. साथ में इस यूज़र ने लिखा है दिस इज वन ऑफ द फिल्म दैट स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी ओवर द टॉप एक्टिंग. इन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है बिना ज़्यादा बड़ी एक्टिंग के बावजूद. मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी खासी एक्टिंग नहीं की गई है लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें बहुत कुछ बता जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है. रत्ना पाठक शाह, परेश रावल एंड राजकुमार राव प्रूव दियर कैलिबर एज ब्रिलियंट एक्टर्स. इन्होंने कहा है कि जो रत्ना पाठक शाह है और परेश रावल है और साथ ही साथ राजकुमार राव, इन्होंने कृति सनन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है. फिर इन्होंने लिखा है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और वो अच्छे एक्टर हैं. साथ में इन्होंने अलग लाइन में लिखा है कृति एंड अदर्स आल्सो डिड देयर बेस्ट, कि उन्होंने कोशिश की है कि वो अच्छा करें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है कृति ने और भी एक्टर्स ने, लेकिन इनको ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी है परेश रावल, रत्ना पाठक और राजकुमार राव की. दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, एंजॉयबल एंड फन टू वॉच. उन्होंने कहा है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें मजा आने वाला है. अगले यूजर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है फॉर अ ग्रेट एक्टर लाइक राजकुमार राव एंड परेश रावल टू फॉल टू दिस लेवल ऑफ द स्लैप स्टिक कॉमेडी इज सिंपली सुपीरियस. इन्होंने तो बहुत कुछ अलग लिखा है. इन्होंने कहा है इनका रिव्यू बिल्कुल ही अलग है, जो ऊपर हमने रिव्यूज पढ़े हैं उनसे अलग बिल्कुल इनका रिव्यू है. इन्होंने लिखा है कि एक एक्टर के लिए जैसे कि राजकुमार राव और परेश रावल है, इनका इस हद तक गिर जाना, इस हद तक बेकार कॉमेडी के लिए गिर जाना, वो बिल्कुल ही एकदम बेवकूफ़ी भरा है या इतनी बेकार कॉमेडी इन्होंने की है, इनका कहना ये है. सॉरी वेस्ट ऑफ 2 hours, आई होप दे रिकवर द मनी स्पेंड एट लीस्ट. इन्होंने कहा है कि पूरे 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद वे जो भी बजट इसमें लगा है उसको रिकवर तो एटलीस्ट कर ही ले. उनका कहना ये है कि जो भी इसमें बजट लगा है फिल्म में, भगवान करे कि वो रिकवर हो जाए. ग्रेट कंसिस्टेंट एक्टिंग बाय कृति सनन, इनको कृति सनन की जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी है. तो काफ़ी ही अलग डिफरेंट सा रिव्यू मिल गया हमें. इस रिव्यू में तो हमें ये जानने को मिला कि कृति सनन की एक्टिंग अच्छी है और बाकी सबकी बेकार है, और कुछ रिव्यूज जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें कृति सनन की उनको एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी सभी की उनको एक्टिंग अच्छी लगी है. तो डिफरेंट है सब कुछ. एक और यूजर ने यहाँ पर लिखा है यू विल गेट बोर्ड बाय 10 minutes ऑफ वॉचिंग, नो प्रॉपर स्टोरी लाइन, द एक्टिंग ऑफ एवरी लेजेंड्स रियली एंड अप. एंड आगे इन्होंने लिखा है कि ओवरऑल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बट पुअर डिलीवरी, गॉड आई लव कृति एंड राजकुमार इवन परेश. तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आप 10 मिनट में ही बोर हो जाएंगे फिल्म को देखते हुए, कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है,
और जो एक्टिंग है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जितने भी लेजेंड्स हैं इन्होंने एक्टर्स को बेकार नहीं बताया, उनकी एक्टिंग को बेकार बताया है कि वो बेकार एक्टर नहीं है जो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा पुअर डिलीवरी रही है, बहुत ज़्यादा बेकार रही है ये फिल्म। और साथ में उन्होंने लिखा है कि कृति सेनन और राजकुमार राव और परेश रावल को वो पसंद करते हैं। अगले एक यूजर ने लिखा है कि नाइस फिल्म विद नाइस वैल्यूज, एक्टिंग इज ऑल्सो गुड, एनीवन हुज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अ मूवी विद योर टीन किड्स, इट्स द मस्ट एंड नो अडल्ट कंटेंट, ऑसम। इनका ये कहना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, इसको आपको देखना चाहिए, और उनका कहना है। अब बात करें अगर हम अपने रिव्यू की, तो जब हमने ये फिल्म देखी तो हमें काफ़ी अच्छी लगी है, ये फिल्म काफ़ी ही अच्छी है। आपको ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी धीमी पड़ गई है, आपको कहीं बोरियत होगी लेकिन हर जगह बोरियत नहीं होगी। इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आपको मतलब मज़ा दिला देंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन हैं। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसमें जो कॉमेडी ये डाल सकते थे, जितना अच्छा इसका कंसेप्ट था उतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले नहीं रहा है। स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई है, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा उभर कर नहीं आई है क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना अच्छा था, ये कंसेप्ट जो था फिल्म का वो ही इतना अच्छा था कि जो स्क्रीन प्ले की कमी थी वो कहीं ना कहीं ढकती हुई नज़र आई, या फिर वो कहीं ना कहीं छुपती हुई नज़र आई थी कंसेप्ट के पीछे। अगर बात करें इस फिल्म के एक्टिंग की, इस फिल्म में एक्टिंग की, तो सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, किसी की कम ज़्यादा एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि किसी ने बेकार एक्टिंग की है, क्योंकि बहुत से सीन ऐसे हैं आपके कि आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा उनको देखकर, लेकिन बहुत से सीन ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिंग कुछ अच्छी हो सकती थी लेकिन वहाँ पर कुछ कमी नज़र आई है। जैसे कि जब अगर आप वैसे फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ स्पॉइलर दिया है, बट वो स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर बात करें एक्टिंग जहाँ पर ख़राब नज़र आई है, वो था कि जब ये दोनों मतलब फंसते हैं ना, जब बातों में फंस जाते हैं, आपने जैसे ट्रेलर में भी देखा होगा, जब ये फंस जाते हैं किसी बात पर, किसी बात को लेकर, जब इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, जो परेश रावल है वो कुछ कह देते हैं और जो इनकी पत्नी बनी है वो कुछ कह देती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में जो इनको एक्टिंग करनी चाहिए थी शायद वो एक्टिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो बस एक वहीं पर कमी मुझे नज़र आई है, और बाकी सब जगह एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, कहीं पर भी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, एवरेज एक्टिंग रही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगा। और स्क्रीन प्ले बस वो थोड़ा सा अगर सुधर जाता तो शायद बहुत कुछ मज़ा आ जाता इस फिल्म में, बहुत लोगों को ये अच्छी लगती फिल्म। बट ओवरऑल अगर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, आप निराश नहीं होंगे इस फिल्म को देखकर। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू जो हमने आपको अभी तक बताया है? वीडियो में आगे भी काफ़ी कुछ है, ठीक है, पूरी वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी है, हमने मेहनत इसमें काफ़ी की है। इस फिल्म के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर आपको इतने से कुछ समझ आता है तो आप आगे की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो इस मूवी में बस यही था जो भी मैंने आपको बताया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ।
इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम दो हमारे दो फिल्म के बारे में, इस फिल्म के क्या रिव्यूज रहे हैं लोगों के, उन सभी रिव्यूज को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यूज दिए हैं लोगों ने इस फिल्म के बारे में, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस फिल्म के रिगार्डिंग, इसकी IMDb रेटिंग्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या रेटिंग्स इसको मिली है, क्या क्या रिव्यूज इसको मिले हैं, कितनी टोटल रेटिंग्स इसको मिली हैं और कितनी रेटिंग्स में इसको 5 स्टार मिले हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इस मूवीज की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, यूजर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग और खुद के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी बातें डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज की, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग या जैसे ही जिन भी लोगों ने इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इस फिल्म को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसको मिली है बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पर और 3 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दिए हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3 स्टार दिए हैं 5 में से। अगर इसमें बात करें तो टोटल इसके ऊपर जो रेटिंग है इंटरनेट पर जो लिखी हुई है वो है 178 रेटिंग्स जो कि इसको मिली है अभी तक, और उसमें से लगभग सभी ने इसको 5 स्टार ही दिए हैं। 2 स्टार और 3 स्टार की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है जितनी की 1 स्टार की है। तो 1 स्टार 2 और 3 के मुकाबले ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो 1 स्टार जो है वो बहुत ही कम है 5 स्टार के मुकाबले। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसमें इस फिल्म को 5 स्टार ही दिए हैं। अगर बात करें लोगों के रिव्यूज की, क्या क्या लोगों ने लिखा है इस मूवी के बारे में, तो वो जरा पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, दिस मूवी इज रियली लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी मूवी, राइटिंग वॉज रियली फंटेस्टिक एंड performance by everyone was really superb and dialogues are amazing. इस यूजर ने कहा है कि ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है और ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के ऊपर बनी हुई कॉमेडी फिल्म है, हास्य वाली फिल्म है, और इसकी जो राइटिंग है वो काफी मजेदार है या मतलब एकदम ऊंचे दर्जे की है, और जो परफॉर्मेंस है हर एक एक्टर ने बहुत ही अच्छी दी है इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने जितने भी एक्टर्स हैं इसमें। साथ में कहा है कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग, स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट एट द एंड इट मेक्स यू इंटरेस्टेड, परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव एंड कृति सनन वाज रियली सुपर्ब। इन्होंने कहा है कि स्टोरी का जो वो प्लॉट है वो इतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन वो बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है राजकुमार राव और कृति सनन की एक्टिंग के बाद, या उनकी एक्टिंग के द्वारा वो थोड़ा सा प्लॉट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह, स्क्रीन प्ले वॉज टू स्लो बट गुड डायरेक्शन। कहा गया है कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा धीमा चलता है, कहें तो अगर सादी भाषा में कहें तो ये जो फिल्म है वो आपको थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो थोड़ी तो फिल्म स्लो पड़ती है लेकिन उसके बाद ये काफी अपनी स्पीड पकड़ लेती है। ओवरऑल दिस मूवी इज वन टाइम वॉच विद फैमिली, रियली यू कैन वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली, रियली दे विल लव इट। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक बार ही देखी जा सकती है फिल्म, क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन एक बार जब आप देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आने वाला है। और लिखा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छा कंसेप्ट है। इन यूजर ने इसको रेटिंग दी है 3.5 स्टार की आउट ऑफ 5। ठीक है, अगर दूसरे यूजर की हम बात करें तो जिन्होंने 4 रेटिंग दी है उनका रिव्यू जरा पढ़ते हैं। I don't know why this film has so less rating. It definitely is a good story and amazing performance by everyone. इन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं है कि लोगों ने इसको कम ratings क्यों दी हैं। इसको ज़्यादा ratings मिलनी चाहिए थी।
क्योंकि इसकी अच्छी स्टोरी है, अच्छी एक्टिंग की है सभी ने। अ मूवी डजंट हैव टू बी लेजेंडरी दैट कैन बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा एक मूवी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब सदाबहार मूवी हो कि उसको बार बार देखा जाए। ऐसी मूवी हमेशा नहीं मिलती है और हर एक मूवी ऐसी नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ द मूवी इज टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन फॉर इट्स लेंथ एंड हम दो हमारे दो डज दैट। इन्होंने कहा है कि एक मूवी का मेन पर्पज ये होता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि वो जो यूजर्स हैं या जो भी उसको देखने वाले हैं, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करें उसकी पूरी लेंथ तक, जितनी भी वो जितने लंबी वो मूवी है उस मूवी के दौरान जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एंटरटेन होते रहें, उनको मजा आए। और हम दो हमारे दो ने वो बखूबी निभाई है बात। और उनको ये भी लगता है कि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक हैं, येट गिव अमेजिंग फिल्म्स। और इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार रहेगा ऐसी और भी फिल्मों के का। ठीक है, अगले यूजर ने लिखा है द डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स आर इज ग्रेट। जब ज़्यादातर सभी लोगों ने ये लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस सभी अच्छा है। कुछ यूजर्स ये लिखते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। साथ में इस यूजर ने लिखा है दिस इज वन ऑफ द फिल्म दैट स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी ओवर द टॉप एक्टिंग। इन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है बिना ज़्यादा बड़ी एक्टिंग के लिए एक्टिंग के बावजूद। मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी खासी एक्टिंग नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें बहुत कुछ बता जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। रत्ना पाठक शाह, परेश रावल एंड राजकुमार राव प्रूव दियर कैलिबर एज ब्रिलियंट एक्टर्स। इन्होंने कहा है कि जो रत्ना पाठक शाह है और परेश रावल है और साथ ही साथ राजकुमार राव, इन्होंने कृति सनन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। फिर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और वो अच्छे एक्टर हैं। साथ में इन्होंने अलग लाइन में लिखा है कृति एंड अदर्स ऑल्सो डिड दियर बेस्ट, कि उन्होंने कोशिश की है कि वो अच्छा करें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है कृति ने और भी एक्टर्स ने, लेकिन इनको ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी है परेश रावल, रत्ना पाठक और राजकुमार राव की। दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, एंजॉयबल एंड फन टू वॉच। उन्होंने कहा है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें मजा आने वाला है। अगले यूजर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है फॉर अ ग्रेट एक्टर लाइक राजकुमार राव एंड परेश रावल टू फॉल टू दिस लेवल ऑफ द स्लैपस्टिक कॉमेडी इज सिंपली सुपीरियस। इन्होंने तो बहुत कुछ अलग लिखा है, इन्होंने कहा है इनका रिव्यू बिल्कुल ही अलग है, जो ऊपर हमने रिव्यूज पढ़े हैं उनसे अलग बिल्कुल इनका रिव्यू है। इन्होंने लिखा है कि एक एक्टर के लिए जैसे कि राजकुमार राव और परेश रावल है, इनका इस हद तक गिर जाना कॉमेडी, इस हद तक बेकार कॉमेडी के लिए गिर जाना वो बिल्कुल ही एकदम बेवकूफ़ी भरा है, या इतनी बेकार कॉमेडी इन्होंने की है, इनका कहना ये है। सॉरी वेस्ट ऑफ 2 आवर्स, आई होप दे रिकवर द मनी स्पेंड एट लीस्ट। इन्होंने कहा है कि पूरे 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद वे जो भी बजट इसमें लगा है उसको रिकवर तो एटलीस्ट कर ही ले। उनका कहना ये है कि जो भी इसमें बजट लगा है फिल्म में, भगवान करे कि वो रिकवर हो जाए। ग्रेट कंसिस्टेंट एक्टिंग बाय कृति सनन, इनको कृति सनन की जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी है। तो काफ़ी ही अलग डिफरेंट सा रिव्यू मिल गया हमें। इस रिव्यू में तो हमें ये जानने को मिला कि कृति सनन की एक्टिंग अच्छी है और बाकी सबकी बेकार है, और कुछ रिव्यूज जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें कृति सनन की उनको एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी सभी की उनको एक्टिंग अच्छी लगी है। तो डिफरेंट है सब कुछ। एक और यूजर ने यहाँ पर लिखा है यू विल गेट बोर्ड बाय 10 मिनट्स ऑफ वॉचिंग, नो प्रॉपर स्टोरी लाइन, द एक्टिंग ऑफ एवरी लेजेंड्स रियली एंड अप। एंड आगे इन्होंने लिखा है कि ओवरऑल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बट पुअर डिलीवरी, गॉड आई लव कृति एंड राजकुमार इवन परेश। तो इन्होंने लिखा है कि
यहाँ पर आप 10 मिनट में ही बोर हो जाएंगे फिल्म को देखते हुए, कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है और जो एक्टिंग है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जितने भी लेजेंड्स हैं इन्होंने एक्टर्स को बेकार नहीं बताया, उनकी एक्टिंग को बेकार बताया है कि वो बेकार एक्टर नहीं है जो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा पुअर डिलीवरी रही है, बहुत ज़्यादा बेकार रही है ये फिल्म। और साथ में उन्होंने लिखा है कि कृति सनन और राजकुमार राव और परेश रावल को वो पसंद करते हैं। अगले एक यूजर ने लिखा है कि नाइस फिल्म विद नाइस वैल्यूज, एक्टिंग इज ऑल्सो गुड, एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अ मूवी विद देयर टीन किड्स, इट्स द मस्ट एंड नो अडल्ट कंटेंट, ऑसम। इनका ये कहना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, इसको आपको देखना चाहिए, तो उनका कहना ही है। अब बात करें अगर हम अपने रिव्यू की, तो जब हमने ये फिल्म देखी तो हमें काफ़ी अच्छी लगी है, ये फिल्म काफ़ी ही अच्छी है। आपको ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी धीमी पड़ गई है, आपको कहीं बोरियत होगी लेकिन हर जगह बोरियत नहीं होगी। इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आपको मतलब मज़ा दिला देंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन हैं। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसमें जो कॉमेडी ये डाल सकते थे, जितना अच्छा इसका कंसेप्ट था उतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले नहीं रहा है, स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई है, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा उभर कर नहीं आई है क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना अच्छा था, ये कंसेप्ट जो था फिल्म का वो ही इतना अच्छा था कि जो स्क्रीन प्ले की कमी थी वो कहीं ना कहीं ढकती हुई नज़र आई, या फिर वो कहीं ना कहीं छुपती हुई नज़र आई कंसेप्ट के पीछे। अगर बात करें इस फिल्म के एक्टिंग की, इस फिल्म में एक्टिंग की, तो सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, किसी की कम ज़्यादा एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि किसी ने बेकार एक्टिंग की है, क्योंकि बहुत से सीन ऐसे हैं आपके कि आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा उनको देखकर, लेकिन बहुत से सीन ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिंग कुछ अच्छी हो सकती थी लेकिन वहाँ पर कुछ कमी नज़र आई है। जैसे कि जब अगर आप वैसे फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ स्पॉइलर दिया है, बट वो स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर बात करें एक्टिंग जहाँ पर ख़राब नज़र आई है, वो था कि जब ये दोनों मतलब फंसते हैं ना, जब बातों में फंस जाते हैं, आपने जैसे ट्रेलर में भी देखा होगा, जब ये फंस जाते हैं किसी बात पर, किसी बात को लेकर, जब इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, जो परेश रावल है वो कुछ कह देते हैं और जो इनकी पत्नी बनी है वो कुछ कह देती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर जब कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में जो इनको एक्टिंग करनी चाहिए थी, शायद वो एक्टिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो बस एक वहीं पर कमी मुझे नज़र आई है, और बाकी सब जगह एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, कहीं पर भी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, एवरेज एक्टिंग रही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगा, और स्क्रीन प्ले बस वो थोड़ा सा अगर सुधर जाता तो शायद बहुत कुछ मज़ा आ जाता इस फिल्म में, बहुत लोगों को ये अच्छी लगती फिल्म। बट ओवरऑल अगर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आपको मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, आप निराश नहीं होंगे इस फिल्म को देखकर। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू जो हमने आपको अभी तक बताया है? वीडियो में आगे भी काफ़ी कुछ है, ठीक है, पूरी वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी है, हमने मेहनत इसमें काफ़ी की है। इस फिल्म के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर आपको इतने से कुछ समझ आता है तो आप आगे की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो इस मूवी में बस यही था जो भी मैंने आपको बताया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ।
इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम दो हमारे दो फिल्म के बारे में, इस फिल्म के क्या रिव्यूज रहे हैं लोगों के, उन सभी रिव्यूज को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यूज दिए हैं लोगों ने इस फिल्म के बारे में, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस फिल्म के रिगार्डिंग इसकी IMDb रेटिंग्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या रेटिंग्स इसको मिली है, क्या क्या रिव्यूज इसको मिले हैं, कितनी टोटल रेटिंग्स इसको मिली हैं और कितनी रेटिंग्स में इसको 5 स्टार मिले हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इस मूवीज की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, यूजर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग और खुद के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी बातें डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज की, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग या जैसे ही जिन भी लोगों ने इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इस फिल्म को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसको मिली है बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पर और 3 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दी है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3 स्टार दिए हैं 5 में से। अगर इसमें बात करें तो टोटल इसके ऊपर जो रेटिंग है इंटरनेट पर जो लिखी हुई है वो है 178 रेटिंग्स जो कि इसको मिली है अभी तक, और उसमें से लगभग सभी ने इसको 5 स्टार ही दिए हैं। 2 स्टार और 3 स्टार की इतनी ज्यादा संख्या नहीं है जितनी की 1 स्टार की है। तो 1 स्टार 2 और 3 के मुकाबले ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो 1 स्टार जो है वो बहुत ही कम है 5 स्टार के मुकाबले। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसमें इस फिल्म को 5 स्टार ही दिए हैं। अगर बात करें लोगों के रिव्यूज की, क्या क्या लोगों ने लिखा है इस मूवी के बारे में, तो वो जरा पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, दिस मूवी इज रियली लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी मूवी, राइटिंग वॉज रियली फंटेस्टिक एंड परफॉर्मेंस बाय एवरीवन वाज रियली सुपर्ब एंड डायलॉग्स आर अमेजिंग। इस यूजर ने कहा है कि ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है और ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के ऊपर बनी हुई कॉमेडी फिल्म है, हास्य वाली फिल्म है और इसकी जो राइटिंग है वो काफी मजेदार है या मतलब एकदम ऊंचे दर्जे की है और जो परफॉर्मेंस है हर एक एक्टर ने बहुत ही अच्छी दी है इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने जितने भी एक्ट्रेस हैं इसमें। साथ में कहा है कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग, स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट एट द एंड इट मेक्स यू इंटरेस्टेड, परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव एंड कृति सनन वाज रियली सुपर्ब। इन्होंने कहा है कि स्टोरी का जो प्लॉट है वो इतना अच्छा खासा नहीं है लेकिन वो बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है राजकुमार राव और कृति सनन की एक्टिंग के बाद या उनकी एक्टिंग के द्वारा वो थोड़ा सा प्लॉट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह, स्क्रीन प्ले वाज टू स्लो बट गुड डायरेक्शन। कहा गया है कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा धीमा चलता है, कहें तो अगर सादी भाषा में कहें तो ये जो फिल्म है वो आपको थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो थोड़ी तो फिल्म स्लो पड़ती है लेकिन उसके बाद ये काफी अपनी स्पीड पकड़ लेती है। ओवरऑल दिस मूवी इज वन टाइम वॉच विद फैमिली, रियली यू कैन वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली, रियली दे विल लव इट। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक बार ही देखी जा सकती है फिल्म क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे लेकिन एक बार जब आपको देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आने वाला है। और लिखा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छा कंसेप्ट है। इन यूजर ने इसको रेटिंग दी है 3.5 स्टार की आउट ऑफ 5। ठीक है, अगर दूसरे यूजर की हम बात करें तो जिन्होंने 4 रेटिंग दी है उनका रिव्यू जरा पढ़ते हैं। आई डोंट नो वाई दिस फिल्म हैज सो लेस रेटिंग, इट डेफिनेटली इज अ गुड स्टोरी एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। इन्होंने कहा है कि मुझे पता नहीं है कि लोगों ने इसको कम रेटिंग्स क्यों दी है, इसको ज्यादा रेटिंग्स मिलनी चाहिए थी।
क्योंकि इसकी अच्छी स्टोरी है, अच्छी एक्टिंग की है सभी ने। अ मूवी डजंट हैव टू बी लेजेंडरी दैट कैन बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा एक मूवी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब सदाबहार मूवी हो कि उसको बार बार देखा जाए। ऐसी मूवी हमेशा नहीं मिलती है और हर एक मूवी ऐसी नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ द मूवी इज टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन फॉर इट्स लेंथ एंड हम दो हमारे दो डज दैट। इन्होंने कहा है कि एक मूवी का मेन पर्पज ये होता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि वो जो यूजर्स हैं या जो भी उसको देखने वाले हैं, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करें उसकी पूरी लेंथ तक, जितनी भी वो जितने लंबी वो मूवी है उस मूवी के दौरान जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एंटरटेन होते रहें, उनको मज़ा आए और हम दो हमारे दो ने मुँह बखूबी निभाई है बात। और उनको ये भी लगता है कि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक हैं, येट गिव अमेजिंग फिल्म्स। और इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार रहेगा ऐसी और भी फिल्मों के का। ठीक है, अगले यूजर ने लिखा है द डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स आर इज ग्रेट। जब ज़्यादातर सभी लोगों ने ये लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस सभी अच्छा है। कुछ यूजर्स ये लिखते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। साथ में इस यूजर ने लिखा है दिस इज वन ऑफ द फिल्म दैट स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी ओवर द टॉप एक्टिंग। इन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है बिना ज़्यादा बड़ी एक्टिंग के लिए एक्टिंग के बावजूद। मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी खासी एक्टिंग नहीं की गई है लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें बहुत कुछ बता जाती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। रत्ना पाठक शाह, परेश रावल एंड राजकुमार राव प्रूव दियर कैलिबर एज ब्रिलियंट एक्टर्स। इन्होंने कहा है कि जो रत्ना पाठक शाह है और परेश रावल है और साथ ही साथ राजकुमार राव, इन्होंने कृति सनन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। फिर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और वो अच्छे एक्टर हैं। साथ में इन्होंने अलग लाइन में लिखा है कृति एंड अदर्स ऑल्सो डिड दियर बेस्ट, कि उन्होंने कोशिश की है कि वो अच्छा करें, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा किया है कृति ने और भी एक्ट्रेस ने, लेकिन इनको ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी है परेश रावल, रत्ना पाठक और राजकुमार राव की। दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, एंजॉयबल एंड फन टू वॉच। उन्होंने कहा है कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें मजा आने वाला है। अगले यूजर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिखा है फॉर अ ग्रेट एक्टर लाइक राजकुमार राव एंड परेश रावल टू फॉल टू दिस लेवल ऑफ द स्लैपस्टिक कॉमेडी इज सिंपली स्टुपिडियस। इन्होंने तो बहुत कुछ अलग लिखा है, इन्होंने कहा है इनका रिव्यू बिल्कुल ही अलग है, जो ऊपर हमने रिव्यूज पढ़े हैं उनसे अलग बिल्कुल इनका रिव्यू है। इन्होंने लिखा है कि एक एक्टर के लिए जैसे कि राजकुमार राव और परेश रावल है, इनका इस हद तक गिर जाना कॉमेडी, इस हद तक बेकार कॉमेडी के लिए गिर जाना वो बिल्कुल ही एकदम बेवकूफ़ी भरा है, या इतनी बेकार कॉमेडी इन्होंने की है, इनका कहना ये है। सॉरी वेस्ट ऑफ 2 hours, आई होप दे रिकवर द मनी स्पेंड एट लीस्ट। इन्होंने कहा है कि पूरे 2 घंटे मेरे बर्बाद हो गए, मुझे ये उम्मीद है कि शायद वे जो भी बजट इसमें लगा है उसको रिकवर तो एटलीस्ट कर ही ले। उनका कहना ये है कि जो भी इसमें बजट लगा है फिल्म में, भगवान करे कि वो रिकवर हो जाए। ग्रेट कंसिस्टेंट एक्टिंग बाय कृति सनन, इनको कृति सनन की जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी लगी है। तो काफ़ी ही अलग डिफरेंट सा रिव्यू मिल गया हमें इस रिव्यू में। तो हमें ये जानने को मिला कि कृति सनन की एक्टिंग अच्छी है और बाकी सबकी बेकार है, और कुछ रिव्यूज जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनमें कृति सनन की उनको एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी सभी की उनको एक्टिंग अच्छी लगी है। तो डिफरेंट है सब कुछ। एक और यूजर ने यहाँ पर लिखा है यू विल गेट बोर्ड बाय 10 minutes ऑफ वॉचिंग, नो प्रॉपर स्टोरी लाइन, द एक्टिंग ऑफ एवरी लेजेंड्स रियली एंड अप। एंड आगे इन्होंने लिखा है कि ओवरऑल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बट पुअर डिलीवरी, गॉड आई लव कृति एंड राजकुमार इवन परेश। तो इन्होंने लिखा है कि
यहाँ पर आप 10 मिनट में ही बोर हो जाएंगे फिल्म को देखते हुए, कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं है और जो एक्टिंग है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। जितने भी लेजेंड्स हैं इन्होंने एक्टर्स को बेकार नहीं बताया, उनकी एक्टिंग को बेकार बताया है कि वो बेकार एक्टर नहीं है जो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इनके हिसाब से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा पुअर डिलीवरी रही है, बहुत ज़्यादा बेकार रही है ये फिल्म। और साथ में उन्होंने लिखा है कि कृति सनन और राजकुमार राव और परेश रावल को वो पसंद करते हैं। अगले एक यूजर ने लिखा है कि नाइस फिल्म विद नाइस वैल्यूज, एक्टिंग इज ऑल्सो गुड, एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अ मूवी विद देयर टीन किड्स, इट्स द मस्ट एंड नो एडल्ट कंटेंट, ऑसम। इनका ये कहना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, पारिवारिक फिल्म है, इसको आपको देखना चाहिए, और उनका कहना ही है। अब बात करें अगर हम अपने रिव्यू की, तो जब हमने ये फिल्म देखी तो हमें काफ़ी अच्छी लगी है, ये फिल्म काफ़ी ही अच्छी है। आपको ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी धीमी पड़ गई है, आपको कहीं बोरियत होगी लेकिन हर जगह बोरियत नहीं होगी। इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि आपको मतलब मज़ा दिला देंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन हैं। और हाँ, ये मैं कहूँगा कि इसमें जो कॉमेडी ये डाल सकते थे, जितना अच्छा इसका कंसेप्ट था उतना अच्छा इसका स्क्रीन प्ले नहीं रहा है, स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं कुछ कमी नज़र आई है, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा उभर कर नहीं आई है क्योंकि उसका कंटेंट ही इतना अच्छा था, ये कंसेप्ट जो था फिल्म का वो ही इतना अच्छा था कि जो स्क्रीन प्ले की कमी थी वो कहीं ना कहीं ढकती हुई नज़र आई, या फिर वो कहीं ना कहीं छुपती हुई नज़र आई थी कंसेप्ट के पीछे। अगर बात करें इस फिल्म के एक्टिंग की, इस फिल्म में एक्टिंग की, तो सभी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, किसी की कम ज़्यादा एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि किसी ने बेकार एक्टिंग की है, क्योंकि बहुत से सीन ऐसे हैं आपके कि आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा उनको देखकर, लेकिन बहुत से सीन ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिंग कुछ अच्छी हो सकती थी लेकिन वहाँ पर कुछ कमी नज़र आई है। जैसे कि जब अगर आप वैसे फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ स्पॉइलर दिया है, बट वो स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगर बात करें एक्टिंग जहाँ पर ख़राब नज़र आई है, वो था कि जब ये दोनों मतलब फंसते हैं ना, जब बातों में फंस जाते हैं, आपने जैसे ट्रेलर में भी देखा होगा, जब ये फंस जाते हैं किसी बात पर, किसी बात को लेकर, जब इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, जो परेश रावल है वो कुछ कह देते हैं और जो इनकी पत्नी बनी है वो कुछ कह देती है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फिर जब कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो वहाँ पर उस सिचुएशन को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। उस सिचुएशन में जो इनको एक्टिंग करनी चाहिए थी, शायद वो एक्टिंग वहाँ पर नहीं आती है, तो बस एक वहीं पर कमी मुझे नज़र आई है, और बाकी सब जगह एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक है, कहीं पर भी इतनी अच्छी भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है, एवरेज एक्टिंग रही है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगा। और स्क्रीन प्ले बस वो थोड़ा सा अगर सुधर जाता तो शायद बहुत कुछ मज़ा आ जाता इस फिल्म में, बहुत लोगों को ये अच्छी लगती फिल्म। बट ओवरऑल अगर आप को ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए उसकी अगर हम बात करें, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आपको मज़ा डेफिनेटली आने वाला है, आप निराश नहीं होंगे इस फिल्म को देखकर। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू जो हमने आपको अभी तक बताया है? वीडियो में आगे भी काफ़ी कुछ है, ठीक है, पूरी वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी है, हमने मेहनत इसमें काफ़ी की है। इस फिल्म के जितने भी रिव्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में आगे भी पढ़ेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर आपको इतने से कुछ समझ आता है तो आप आगे की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो इस मूवी में बस यही था जो भी मैंने आपको बताया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ।
इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम दो हमारे दो फिल्म के बारे में, इस फिल्म के क्या रिव्यूज रहे हैं लोगों के, उन सभी रिव्यूज को हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यूज दिए हैं लोगों ने इस फिल्म के बारे में, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इस फिल्म के रिगार्डिंग, इसकी IMDb रेटिंग्स और अलग अलग वेबसाइट्स पर क्या क्या रेटिंग्स इसको मिली है, क्या क्या रिव्यूज इसको मिले हैं, कितनी टोटल रेटिंग्स इसको मिली हैं और कितनी रेटिंग्स में इसको 5 स्टार मिले हैं, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इस मूवीज की कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, यूजर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग और खुद के रिव्यू के अकॉर्डिंग भी थोड़ी सी बातें डिसाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज की, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग या जैसे जिन भी लोगों ने इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इस फिल्म को 6.4 की IMDb रेटिंग मिली है और साथ ही साथ 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5 इसको मिली है बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट पर और 3 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो दिए हैं। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको 3 स्टार दिए हैं 5 में से। अगर इसमें बात करें तो टोटल इसके ऊपर जो रेटिंग है इंटरनेट पर जो लिखी हुई है वो है 178 रेटिंग्स जो कि इसको मिली है अभी तक, और उसमें से लगभग सभी ने इसको 5 स्टार ही दिए हैं। 2 स्टार और 3 स्टार की इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है जितनी कि 1 स्टार की है। 1 स्टार 2 और 3 के मुकाबले ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो 1 स्टार जो है वो बहुत ही कम है 5 स्टार के मुकाबले। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने इसमें इस फिल्म को 5 स्टार ही दिए हैं। अगर बात करें लोगों के रिव्यूज की, क्या क्या लोगों ने लिखा है इस मूवी के बारे में, तो वो जरा पढ़ते हैं। एक यूजर ने लिखा है, दिस मूवी इज रियली लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडी मूवी, राइटिंग वॉज रियली फंटेस्टिक एंड परफॉर्मेंस बाय एवरी वन वॉज रियली सुपर्ब एंड डायलॉग्स आर अमेजिंग। इस यूजर ने कहा है कि ये जो मूवी है वो बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है और ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के ऊपर बनी हुई कॉमेडी फिल्म है, हंसे वाली फिल्म है और इसकी जो राइटिंग है वो काफी मजेदार है या मतलब एकदम ऊंचे दर्जे की है और जो परफॉर्मेंस है हर एक एक्टर ने बहुत ही अच्छी दी है इस फिल्म में, अच्छी एक्टिंग की है लोगों ने जितने भी एक्टर्स हैं इसमें। साथ में कहा है कि म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर अमेजिंग, स्टोरी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग बट एट द एंड इट मेक्स यू इंटरेस्टेड, परफॉर्मेंस बाय राजकुमार राव एंड कृति सनन वाज रियली सुपर्ब। इन्होंने कहा है कि स्टोरी का जो प्लॉट है वो इतना अच्छा खासा नहीं है लेकिन वो बाद में इंटरेस्टिंग हो जाता है राजकुमार राव और कृति सनन की एक्टिंग के बाद या उनकी एक्टिंग के द्वारा वो थोड़ा सा प्लॉट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय परेश रावल एंड रत्ना पाठक शाह, स्क्रीन प्ले वाज टू स्लो बट गुड डायरेक्शन। कहा गया है कि जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा धीमा चलता है, कहें तो अगर सादी भाषा में कहें तो ये जो फिल्म है वो आपको थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आएगी लेकिन बाद में ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो कि काफी अच्छे हैं। तो थोड़ी तो फिल्म स्लो पड़ती है लेकिन उसके बाद ये काफी अपनी स्पीड पकड़ लेती है। ओवरऑल दिस मूवी इज वन टाइम वॉच विद फैमिली, रियली यू कैन वॉच दिस मूवी विद योर फैमिली, रियली दे विल लव इट। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक बार ही देखी जा सकती है फिल्म क्योंकि आप इसको दोबारा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे लेकिन एक बार जब आप देखेंगे तो आपको वाकई में मजा आने वाला है। और लिखा है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, अच्छा कंसेप्ट है। इन यूजर ने इसको रेटिंग दी है 3.5 स्टार की आउट ऑफ 5। ठीक है, अगर दूसरे यूजर की हम बात करें तो जिन्होंने 4 रेटिंग दी है उनका रिव्यू जरा पढ़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस फिल्म हैज so less rating, it definitely is a good story and amazing performance by everyone। इन्होंने कहा है कि मैं मुझे पता नहीं है कि लोगों ने इसको कम ratings क्यों दी हैं, इसको ज़्यादा ratings मिलनी चाहिए थी,
क्योंकि इसकी अच्छी स्टोरी है, अच्छी एक्टिंग की है सभी ने। अ मूवी डजंट हैव टू बी लेजेंडरी दैट कैन बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा एक मूवी जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब सदाबहार मूवी हो कि उसको बार बार देखा जाए। ऐसी मूवी हमेशा नहीं मिलती है और हर एक मूवी ऐसी नहीं होती है। द मेन पर्पज ऑफ द मूवी इज टू कीप द ऑडियंस एंटरटेन फॉर इट्स लेंथ एंड हम दो हमारे दो डज दैट। इन्होंने कहा है कि एक मूवी का मेन पर्पज ये होता है, उसका एक मेन उद्देश्य ये होता है कि वो जो यूजर्स हैं या जो भी उसको देखने वाले हैं, ऑडियंस जो हैं, दर्शक जो हैं, उनको अच्छे से एंटरटेन करें उसकी पूरी लेंथ तक, जितनी भी वो जितनी लंबी वो मूवी है उस मूवी के दौरान जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एंटरटेन होते रहें, उनको मज़ा आए। और हम दो हमारे दो ने वो बखूबी निभाई है बात। और उनको ये भी लगता है कि ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ऐसे कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि मतलब रियलिस्टिक हैं, येट गिव अमेजिंग फिल्म्स। और इन्होंने लिखा है कि हमें इंतजार रहेगा ऐसी और भी फिल्मों के का। ठीक है, अगले यूजर ने लिखा है द डायरेक्शन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स आर इज ग्रेट। जब ज़्यादातर सभी लोगों ने ये लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस सभी अच्छा है। कुछ यूजर्स ये लिखते हैं कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। साथ में इस यूजर ने लिखा है दिस इज वन ऑफ द फिल्म दैट स्पीक्स अ लॉट विदाउट एनी ओवर द टॉप एक्टिंग। इन्होंने लिखा है कि ये फिल्म बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ हमें बता जाती है बिना ज़्यादा बड़ी एक्टिंग के बावजूद। मतलब इसमें ज़्यादा अच्छी खासी एक्टिंग